चाहते हो, ठीक है? क्योंकि इसमें डिस्कशन का पर्पज ये होता है कि हम उस एक किसी भी एक टॉपिक को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम सिनेरियो, और इसको स्पेशली एक्सटेंडेड टॉक्स के हिसाब से, तो इसको हमने उस तरह से फॉर्मुलेट करना होता है। तो यूरोडायनामिक्स की जो पिछली दफा भी हम बात कर रहे थे कि इसमें अक्सर ग्राफ की सूरत में ये आ जाता है, और समटाइम्स यू आर बीइंग आस्क्ड अ क्लिनिकल सिनेरियो, तो कोई भी सिनेरियो जो आप डिस्कस करना चाहते हो उसको हम उस तरीके से लेके चलते हैं। तो इसमें कोई वॉलंटियर या कोई जो जिसके जहन में कोई चीज हो जी हाँ जी, कोई वॉलंटियर? मेरा ख्याल है पिछली दफा किसी ने कहा था कि हम इसको पढ़ के आएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर एमन ने कहा था वो है नहीं अवेलेबल। अच्छा, शी इज नॉट ऑनलाइन, ठीक है। चलिए हम बाकियों से पूछ लेते हैं कि आपको एग्जाम में कोई ऐसा सिनेरियो जो जिससे आपको प्रॉब्लम हुई हो रिगार्डिंग यूरोडायनामिक स्टडीज। यूरोडायनामिक्स भी और यूवी प्रोलैप्स, ये दोनों चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है, जस्ट द पर्टिनेंट फीचर्स, क्योंकि पूरे का पूरा टॉपिक उसमें बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर करना ही होता है, उसमें पूरा टॉपिक कवर करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खुद भी पता ही होती हैं पहले से, और बुक्स में भी आसानी से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन जो चीजें जिनमें बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने की जरूरत है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से मुझे कोई भी क्वेश्चंस बताएं या जो आपको जिसमें प्रॉब्लम हुआ, जैसे यूवी प्रोलैप्स की ही पिछली दफा बात हो रही थी, हम उससे स्टार्ट ले लेते हैं। तो एग्जाम में आपका यूरोगायनेकोलॉजी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था? जी, इसका मतलब है आज वॉलंटियर कोई नहीं है, सो आई शुड स्टार्ट इट ऑन माय ओन, क्योंकि हमेशा जो मतलब एक जो प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है टीचिंग की, वो यही होता है कि इट शुड बी इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव इस तरह से कि जो सुनने वाले हैं उनकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। तो इसमें हम इसको अब थोड़ा सा पावर पॉइंट के साथ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, शेयर करते हैं जरा सबके साथ। मोस्ट विजिबल पार्टिसिपेंट शेयरिंग इसने डिसेबल किया हुआ है। हां, ओस बना दिया, हो जाएगा। ठीक है ओके। ठीक है, मेरे को कह रहे हैं कुछ हो रही है। हाँ जी, सबको अब शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। अच्छा ठीक है। एक्चुअली जब आप खुद इसमें पढ़ के तो आप इसको इसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उससे जो आप वन साइडेड चीज सुन रहे होते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर, तो क्योंकि आपको पहले से कुछ चीजें पता होती हैं, आपने पहले से कुछ चीजें पढ़ी हुई होती हैं, तो आपको वो जब चीज समझ नहीं आती आप उसको ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, लेकिन जो वन साइडेड चीज है वो वन साइडेड में चाहे हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश भी करें, बट व्हेन यू विल गो बैक टू योर बुक्स तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम दोबारा से हो। तो इसीलिए जो है वो हम थोड़ा सा टॉपिक हमें इसीलिए पहले से पता भी होता है कि एटलीस्ट आप सब ऑन बोर्ड हो और सबको पता हो कि आज क्या टॉपिक है, ताकि हम सारे उसको डिस्कस कर सकें। तो इसमें जो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है खासतौर पर एग्जाम में भी, वो यूरोडायनामिक्स से रिलेटेड होता है। अब यूरोडायनामिक्स का जो यूजुअल सिनेरियो एक्सटेंडेड टॉक्स के हिसाब से होता है, दैट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। लाइक आपने टीचिंग स्टेशन भी इस पे आ सकता है कि ये ग्राफ है, आपने इस पे टीचिंग, या उसको इंटरप्रेट करना आपने खुद भी होता है, या वो ग्राफ किसी ना किसी क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से आपके पास आता है और क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ होता है, यानी सारी पेशेंट की हिस्ट्री, रेलिवेंट फाइंडिंग जो है क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, और उसके बाद फिर ये के जो यूरोडायनामिक स्टडीज रिक्वेस्ट की गई फ्रॉम द गायनेकोलॉजिस्ट, उस पर ये वाला ग्राफ आ गया, तो अब आप इस पे फर्दर इसकी मैनेजमेंट या इसकी इसको इंटरप्रेट करें और इसकी फर्दर मैनेजमेंट डिस्कस करें। और सिंपली इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्राफ, यूरोडायनामिक ग्राफ जो है
अब ग्राफ उसमें डिफरेंट तरह के होते हैं, अब खास तौर पे जो दो कॉमनली यूज हैं वो तो यूरोफ्लोमेट्री और सिस्टोमेट्री से रिलेटेड होते हैं, एंड मोर कॉमन इज द सिस्टोमेट्री ग्राफ। हो सकता है वो ग्राफ की ही सूरत में पड़ा हुआ हो और उसमें आपने एक तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज है, फिर उसके बाद उसमें उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आस्क बाय द एग्जामिनर, आपने उसको आंसर करना है। अब हाउ यू विल रीच एट अ डायग्नोसिस, बिकॉज एक चीज वो डायग्नोसिस है जो आपको सिस्टोमेट्री के ग्राफ से पता चल जाता है, लेकिन एक वो डायग्नोसिस है जो आपका हिस्ट्री से बनता है, बिकॉज इट्स नॉट, ये बहुत कॉमन होता है कि इसमें फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं ऑन द यूरोडायनामिक स्टडीज। बार दफा जो यूरोडायनामिक स्टडीज हैं वो बहुत कोरिलेट नहीं कर रही होती विद एक्चुअल सिम्टम्स, तो उस सूरत में जो है वो ये चीजें होती हैं जो फॉल्स नेगेटिव चीजों में शुमार होता है। इसलिए जब भी हम इंटरप्रेट करते हैं ग्राफ्स को या यूरोडायनामिक स्टडीज के रिजल्ट को, तो उसको हमेशा क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ इंटरप्रेट करते हैं। सो व्हेन एवर यू आर बीइंग आस्क्ड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट, यू विल स्टार्ट विद द रेलिवेंट हिस्ट्री, कि ये एक जरूरी चीज होती है कि एक आपको कुछ एक सिनेरियो दिया गया, उसमें रिजल्ट आपका शो हो गया, क्योंकि जो हिस्ट्री आपको दी हुई होगी सिनेरियो में वो बहुत लंबी हिस्ट्री अमूमन नहीं होती, बस ये कि 55 ईयर्स ओल्ड पेशेंट हु हैज फर्स्ट डिग्री ऑफ यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, also complains of involuntary loss of the urine during coughing and straining, to isme uska jo urodynamic studies hui us pe ye graph tha to us pe comment kare, to ye enough scenario nahi hai kyunki aapne uski clinical correlation se pehle bahut sari cheeze aur puchni hain jo stress incontinence ki wajah ban sakti hain other than the first degree uterovaginal prolapse, क्योंकि वो जो फर्स्ट डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है मे एक्चुअली बी नॉट द कल्प्रिट बिहाइंड दिस सिम्टम, लेकिन उसके जो बाकी जो उसके हिस्ट्री के ऊपर जो कुछ पॉइंट जो आपने पूछने होंगे वो हो सकते हैं वही उसका पीछे रीजन वही हो। सो यू विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन बाय रेलिवेंट हिस्ट्री, तो उसमें रेलिवेंट हिस्ट्री में चाहे आपसे ग्राफ की बस वो रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन आपने उस पर फाइनली कमेंट करने से पहले उसमें उसकी रेलिवेंट हिस्ट्री लेनी जरूरी है। तो रेलिवेंट हिस्ट्री में जो चीजें फिर आएंगी वो सारी की सारी उसमें आएंगी, और उसमें जो पेशेंट से आपने सिम्टम पूछने होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि उसका एक्चुअल सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुए, उसकी क्या इंटेंसिटी है, और प्रोलैप्स जो है उसको वो तो एग्जामिनेशन पे तो उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट डिग्री है, बट डस शी फील्स द बल्ज एट सम टाइम एंड डस शी नीड टू रिड्यूस इट, उसकी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या है, Has she need to get up at the night? या फिर वो क्या क्या medicines ले रही है, some medicines are responsible for stress incontinence. या ये भी कि क्या इसके लिए इसका treatment उसने पहले करवाया, तो ये सारी चीजें जो आपने and then जो एक बड़ी बेटा mute कर दीजिए अपना माइक, disturbance हो रही है काफी, तो इसमें जो एक बड़ी कॉमन कॉज होती है बार दफा वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी होते हैं, सो यू हैव टू रूल इट आउट, सिम्टम्स पूछें और उसके बाद फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन पे भी आएगा। एज रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन पे उसके सिनेरियो में अगर दिया हुआ है कि फर्स्ट डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है तो वो काफी नहीं है, ये तो है यूट्राइन डिसेंट का उसकी डिग्री बताई हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट द इंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स, व्हाट अबाउट द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स, एंड व्हाट अबाउट द अदर पैरामीटर्स इन द पॉप-क्यू क्लासिफिकेशन जो हमने पिछली दफा डिटेल में डिस्कस कर ली। इसके अलावा आपने और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि टेस्ट करनी होती हैं जिसको हम वन बाय वन कवर, सो दिस विल बी योर रेलिवेंट एग्जामिनेशन। रेलिवेंट हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि सिर्फ फोकस्ड हिस्ट्री आपने लेनी है, फोकस्ड हिस्ट्री का मतलब है सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वरना अगर आप लंबी हिस्ट्री की डिटेल तो आपका 10 मिनट्स में वो क्वेश्चन पूरा नहीं होता, एंड द रेलिवेंट एग्जामिनेशन मींस द सेम थिंग कि आप सिर्फ उसकी रेलिवेंट चीजें बताएं, और उसके अलावा कोई कोमॉर्बिडिटी या उसको कोई पेल्विक मैसेज, ये सब चीजें हैं जो आपने उससे पूछनी होती हैं। एंड ऑन इन्वेस्टिगेशन अपार्ट फ्रॉम द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन विच डजंट नीड टू फॉर द डिटेल डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसमें यूरिनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप उसके ग्राफ को इंटरप्रेट करने से पहले बताओगे। अगर आपका ये टीचिंग स्टेशन है, सपोज के ये यूरोडायनेमिक्स आपने उसको अपने
रेजिडेंट को करना है, बताना है या उसको टीच करना है कि उसको कैसे करना होता है या इंटरप्रेट कैसे करना होता है. इवन देन यू विल स्टार्ट विद दीज प्रीरिक्विजिट्स. ये प्रीरिक्विजिट्स हैं बिफोर स्टार्टिंग द यूरोडायनामिक स्टडीज एंड बिफोर इंटरप्रेटिंग द यूरोडायनामिक स्टडीज. तो इन प्रीरिक्विजिट्स को आप बाईपास नहीं कर सकते. तो इसमें जो है ये सारी चीजें, अब इसको हम शुरू करते हैं थोड़ा सा विद द नॉलेज ऑफ, देन वी विल कम टू द एक्चुअल ग्राफ. कि इसमें जो डिसऑर्डर्स, और ये सारे डिसऑर्डर्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर हैं. एक तो एक्चुअल जो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है वो, जिसमें कोई भी डिग्री हो सकती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एपिकल डिसेंट सब चीजें. फिर यूरिनरी फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये सारे पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स हैं. और इसके अलावा जो अभी हम बात कर रहे थे कि पेल्विक फ्लोर की डिग्री चेक करने के अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पेल्विक फ्लोर टोन भी होती है. इसमें आप जब विजाइनल एग्जामिनेशन करते हो या रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो, यू आस्क द पेशेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मस्कुलेचर. और फिर उसको आपने उसकी टोन को असेस करना है, दैट यू कैन इजीली असेस. इसमें एबसेंट टोन है या वीक है या नॉर्मल है या स्ट्रॉन्ग है. फिर उसमें विजाइनल एट्रोफी, पोस्ट मेनोपॉजल में जो विजाइनल टिश्यू हेल्थ है उसको भी आपने असेस करना होता है, बिकॉज दैट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पीओपी एंड ऑल्सो ऑफ द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. कोई पेल्विक मैस या अदर पैथोलॉजी है विच मे बी अ रीजन फॉर दिस ऑल पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, वो भी आप रूल आउट करोगे. अगर फर्ज किया ये पेशेंट, बार दफा ऐसा होता है कि पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है कि ही फील समथिंग आउट ऑफ द विजाइना, एक बल्ज आपको फील होता है, बल्ज उसको फील होता है, एंड समटाइम्स ही हैज टू रिड्यूस इट बिफोर फॉर द यूरिनेशन. लेकिन जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो वो ऐसा बल्ज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रेविटेशनल प्रेशर जो है वो उसमें जरूरी हो जाता है. और ग्रेविटेशनल प्रेशर क्या होता है कि उसमें या तो पेशेंट को आप थोड़ा सा स्ट्रेन कराएं स्टैंडिंग में, या बाज दफा ऐसे होता है कि यूवी प्रोलैप्स वाले पेशेंट्स को, जैसे पहले लॉन्ग केसेस होते थे, उसमें स्क्वेटिंग पोजिशन में बिठा के आप हिस्ट्री लेते थे, ताकि बाय द टाइम आप पेल्विक एग्जामिनेशन तक पहुंचो तो वो हो सके. तो ये इसका फिर लॉजिक ये बन जाता. फिर उसके अलावा सारे पेशेंट, अब बाज दफा ऐसे होता है कि प्रोसीडेंशिया में या जिसमें बहुत मार्क्ड सिस्टोसील हो, ग्रेड थ्री सिस्टोसील है, उसमें जब हम पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसको है, या जो है वो पहले थी लेकिन अब नहीं होती विद एक्चुअली वर्सनिंग ऑफ द प्रोलैप्स, तो उसमें वजह होती है यूरिथ्रल किंकिंग की. क्योंकि जब ये एंगल बहुत पीछे चला जाता है, यूरिथ्रोवेसाइकल एंगल एक्यूट एंगल बन जाता है, तो उसमें यूरिथ्रा किंक हो जाता है और उसमें फॉल्सली ये मास्क हो जाता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. आप जब भी सर्जरी डिसाइड करते हैं तो सर्जरी को डिसाइड करने से पहले ऐसे केसेस में आप उसको रिड्यूस करके फिर देखें, और फिर उसका कफ रिफ्लेक्स के साथ देखें कि इनकॉन्टिनेंस है या नहीं है. बिकॉज समटाइम्स आफ्टर कुरेक्शन ऑफ द सिस्टोसील या आफ्टर कुरेक्शन ऑफ द यूट्रोविजाइनल डिसेंट, जब हम सर्जरी कर लेते हैं तो ये अनमास्क हो जाता है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसके बाद पेशेंट को होती है. तो इस वजह से फिर इसको सर्जरी से पहले करना जरूरी होता है. अब ये यूरोडायनामिक स्टडीज अमूमन हम स्टेज वन पे नहीं करते, लेकिन अगर पेशेंट को सपोज अमूमन के यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स फॉर मोर देन स्टेज टू, जो हम पॉप क्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसमें और उसके साथ कंबाइन हो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कोई भी वॉइडिंग डिसफंक्शन, इवन इफ शी फील्स हेजिटेंट टू पास यूरिन या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है उसको, एंड शी हैज टू रिड्यूस द मैस बिफोर मिक्चुरेशन, उन सारे केसेस में ये जरूरी है. एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, क्योंकि जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसके सिम्टम्स काफी ओवरलैप करते हैं इन सम केसेस. और लेकिन अमूमन ये होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा अगर क्लियर कट हिस्ट्री है, अमूमन तो ओवरलैप कर रहे होते हैं सिम्टम, लेकिन बाद 65% केसेस में आप क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हो. तो उस सूरत में जो है वो आप उसमें सर्जरी तो कर लेते हैं बगैर डिसफंक्शन उसमें, सॉरी इसमें हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दे के देखते हैं. सपोज स्टेज वन का प्रोलैप्स है, यूवी प्रोलैप्स है, एंड द पेशेंट इज हैविंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रूल आउट यूटीआई एंड गिव द मेडिसिन फॉर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. उसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो हम देते हैं वो हम उसको, उसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, दैट विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन.
तो उसको हम ट्राई करके देखते हैं, और अगर कि फेल्ड ट्रीटमेंट है, पेशेंट उससे भी नहीं ठीक हुआ, देन वी हैव टू सॉर्ट आउट द रीजन, यानी डायग्नोसिस मेकिंग फिर उसमें जरूरी हो जाती है। और अगर उसमें कुछ एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स हैं या बाकी, और इसके अलावा कोएग्जिस्टेंट बाकी पैथोलॉजी भी, जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर होती है, या पेशेंट वो जो जिनमें इनकैपेसिटी है या जिनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उन सब में फिर ये इट्स मस्ट डू। अब नॉर्मली जो यूरिथ्रोवेसिकल एंकल है, बेसिकली इसमें इसको जरा थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यूरिथ्रोवेसिकल नॉर्मली जो यूरिथ्रोवेसिकल एंकल है, दैट इज एन एब्डोमिनल, इसकी एब्डोमिनल प्लेसमेंट होती है, यानी ये जो है ये एब्डोमेन में पेल्विस से ऊपर होता है ये, दैट इज वाई उसका जो है वो एक उसका कॉन्टिनेंस मेंटेन रहती है। लेकिन अगर इसका एंगल जो नॉर्मली जो बनता है यूरिथ्रोवेसिकल एंगल, वो इस ये वाला एंगल होता है, और ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यानी जब पेशेंट मिक्चुरेट कर रहा हो, तो उस सूरत में इसका एंगल फिर कम हो जाएगा जो यूरिथ्रोवेसिकल एंगल है। ये इस तरह से आप देखें कि ये इसका यूरिथ्रोवेसिकल एंगल कम हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले इसकी नॉर्मल एनाटॉमी को आप समझें, ठीक है। अब इसको जो व्हाट हैपेंस बेसिकली इन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या जहाँ पे इनकॉन्टिनेंस होते हैं, अब इसका जो नॉर्मली एंगल है जो पीछे ये वाला जो था, ये 90-100 होता है, 90 होगा इतना, यानी ये अगर यूरिथ्रा का एंगल है तो इसका जो यूरिथ्रोवेसिकल एंगल है दैट शुड बी मोर देन 90-100। लेकिन जब ये ड्यूरिंग मिक्चुरेशन ये तकरीबन 30 तक चला जाता है, एक विद द वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि ये अगर यूरिथ्रा है तो इसकी ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये है विद द बेस ऑफ द ब्लैडर इसका एंगल, और ये है वर्टिकल लाइन के साथ, ये इसका एंगल इसके साथ बन रहा है, और ये 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर समहाउ इट डिसेंड्स डाउन ड्यू टू यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, या जैसे सिस्टोसील में होते हैं कि ये अगर एंगल नीचे आ जाता है, इट्स नो मोर एन एब्डोमिनल, इसकी एब्डोमिनल लोकेशन नहीं रहती, ये नीचे आ जाएगा इन केसेस ऑफ प्रोलैप्स, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री से भर जाएगा जो वर्टिकल के साथ इसका है, और ये वाला एंगल भी इसका कम हो जाएगा। तो नॉर्मली जो जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जिसको हम SUI भी कहते हैं या GSI भी कहते हैं, तो उसमें जो एनाटॉमिकल चेंजेस होती हैं वो ये कि डिसेंट ऑफ द ब्लैडर नेक विद कंप्लीट लॉस ऑफ द पोस्टीरियर यूरिथ्रोवेसिकल एंगल, वो कम वो हो जाएगा, ओपनिंग फंडलिंग ऑफ द ब्लैडर नेक एंड अपर यूरिथ्रा, यानी ये इसको हम वापस जाते हैं, यानी ये वाला जो एंगल है ये बहुत कम हो जाता है, बिकॉज इट विल अलॉन्ग विद द यूरिथ्रा इट विल डिसेंड डाउन, इस तरह से ये पूरे का पूरा जो है वो इस तरह से डिसेंड कर जाता है इन द वजाइना इन फॉर्म ऑफ सिस्टोसील, और इसी तरह से जो इसका वर्टिकल के साथ एंगल होगा वो 30 डिग्री से बढ़ जाएगा, और इसी तरह से फंडिंग ऑफ द ब्लैडर नेक और अपर यूरिथ्रा हो जाती है। अब इसमें जो यूरोडायनामिक स्टडीज में जो ज्यादा कॉमनली होने वाली चीजें हैं वो यूरोफ्लोमीट्री और सिस्टोमीट्री है, जिसको समझना जरूरी है। यूरोफ्लोमीट्री इज वेरी सिंपल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि उसका जो आउटफ्लो या वॉइडिंग फंक्शंस हैं वो कैसे हैं, यानी पेशेंट जो जब एक यूरोफ्लोमीटर पे, यानी एक जो फनल शेप्ड होता है उसका वो टूल होता है, उसके ऊपर जब पेशेंट मिक्चुरेट करता है तो वो उसका रेट ऑफ आउटफ्लो इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर पर सेकंड मेजर किया जाता है। एक नॉर्मली फंक्शनिंग जो ब्लैडर है उसका नॉर्मल जो मैक्सिमम फ्लो रेट है वो 20-36 मिलीलीटर पर सेकंड होगा, जो मैक्सिमम फ्लो रेट है, और इसका भी एक ग्राफ बनता है बेल शेप, उसको हम आगे जाके देखते हैं। और इसके बाद यूरोफ्लोमीट्री के बाद, यानी ये पूरा जो आप ग्राफ बनाते हैं और इसको असेस करते हैं, उसके बाद इसका पोस्ट वॉइडिंग यानी रेजिडुअल जो यूरिन है वॉल्यूम, रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम इन द ब्लैडर दैट इज कैलकुलेटेड ऑन बाय अल्ट्रासाउंड, या फिर उसको हम कैथेटराइज भी करके देख सकते हैं। इसका जो इफेक्ट है ये बेसिकली डेट्रूजर कॉन्ट्रेक्शन पे ये बेस करता है यूरोफ्लोमीट्री,
और फिर ये कि स्फिंक्टरिक रिलैक्सेशन एट द टाइम ऑफ वॉइडिंग, जब एक मतलब जब पेशेंट ने पास करना होता है यूरिन और सारे जो उसके रिफ्लेक्सेस बिल्डअप होते हैं उसमें डेट्रूजर की कॉन्ट्रेक्शन और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है. एंड देन अल्टीमेट द प्लेस विल बी पेटेंसी ऑफ द यूरिथ्रा. यानी अगर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है या स्टेनोसिस है जैसे पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में बाज दफा हो जाता है, तो उसमें पेटेंसी ऑफ द यूरिथ्रा इज रिड्यूस्ड. तो इसी वजह से उसका फ्लो रेट आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, दैट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ बेल शेप. उसका फ्लो रेट जो है उसे हमें पता चल जाएगा कि इसमें या तो डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा प्रॉपर, या स्फिंक्टरिक के उसके प्रॉब्लम है, या फिर यूरिथ्रा की पेटेंसी में कुछ मसला है. तो ये इसका यूरोफ्लोमीट्री ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है. तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, पेशेंट यूरिन पास करता है मैक्सिमम रेट पे यहाँ पे फॉर फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे ये रहता है, एंड देन ग्रेजुअली इट स्टेप्स डाउन. अगर फर्ज किया इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये ग्राफ बेल की सूरत में नहीं होगा, ये आगे से आगे उसको टाइम लगेगा पूरा फॉर कंप्लीट एवैक्यूएशन. और इसमें जो क्यू मैक्स है यानी जो मैक्सिमम फ्लो रेट है वो भी इसका कम होगा, जो एक नॉर्मल का होता है उससे ये कम हो जाएगा. अब जो बाकी जो स्टडीज हैं, ये तो था एक फ्लो रेट जो ओवरऑल एक हमने देखा कि उसका डेट्रूजर मसल का फंक्शन कैसा है, या स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम या यूरिथ्रा की पेटेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. लेकिन जब हम बाकी फर्दर इनवेजिव टेस्टिंग पे आते हैं, अब नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग में और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट की बेसिकली इनिशियल एवेल्युएशन में या इसको समझने के हिस्ट्री में ही वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. जैसे जो है वो उसकी मिक्चुरेशन डायरी होती है. मिक्चुरेशन डायरी का मतलब ये होता है कि इसमें पेशेंट ने 3 दिन का अपना रिकॉर्ड रखना है कि उसमें उसकी कितना इसने यूरिन किया, कब कितना किया, फ्लूइड कब लिया, इनकॉन्टिनेंस कब हुई, कफ रिफ्लेक्स या जो भी प्रोवोकेटिव फैक्टर्स हैं, या एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज या रूटीन की एक्टिविटीज पे लीकेज कब से कब कब हुई, या उसको किस टाइम पे अर्ज डेवलप हुई, ये पूरा उसकी ब्लैडर डायरी या उसको मिक्चुरेशन डायरी जो है वो उसको मेंटेन करना कहते हैं. तो 3 दिन में हमें उसका कम अज कम पैटर्न पता चल जाता है. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग. ये भी यूरोडायनेमिक्स में ही आ जाता है लेकिन नॉन इन्वेजिव है, और डेफिनेटली उसके जो है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं कि पेशेंट कितना फ्लूइड लेता है या उस 3 दिनों में उसने कितना हैवी एक्सरसाइज की, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि वो भी हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज दे देता है अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम. अब जो यूरोडायनेमिक टेस्टिंग से हमारा जो मकसद होता है करने का, क्योंकि यूरोफ्लोमीट्री तो आपको एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे देता है कि यस ब्लैडर इज फंक्शनिंग नॉर्मली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ स्फिंक्टर एंड द यूरिथ्रा. लेकिन जो हम इन्वेजिव टेस्टिंग करते हैं जिसमें हमने प्रेशर कैथेटर्स डालने होते हैं इनसाइड द ब्लैडर, ब्लैडर का जो है एक्चुअली जो ब्लैडर के अंदर जो कैथेटर प्रेशर कैथेटर डाला जाता है वो जो है वो हमें डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कुछ हमें वो देगा, इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि डायरेक्टली हम डेट्रूजर मसल के प्रेशर को या कॉन्ट्रैक्शन को उसको नहीं मेजर कर रहे, हम उसको एक सब्सट्रैक्शन रेशियो होती है. तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो वजाना के अंदर भी आप कैथेटर रख सकते हैं, आप रेक्टम के अंदर भी कैथेटर रख सकते हैं. प्रेशर कैथेटर जो होते हैं जो खासतौर पर आगे प्रेशर गॉज के साथ अटैच होते हैं और वो एक मशीन पे जिसपे ग्राफ निकल रहा होता है. तो ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को मेजर किया, आपने इंट्रा वेसिकल प्रेशर को मेजर किया, और उनका जो फर्क होगा वो आपको बताएगा कि डेट्रूजर मसल प्रेशर कितना है. अब इसके करने का मकसद ये है कि हम एक्चुअल पैथोलॉजी को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, यानी ये अर्च है या ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, और उसमें हम थोड़ी सी प्रोवोकेशन भी देते हैं उसके उस टेस्ट के करने के दौरान, यानी कुछ स्टिमुलाई देते हैं कि जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो जाए. अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होने से नॉर्मली जब हम कफ करते हैं या स्नीजिंग होती है या कॉन्स्टिपेशन जो स्ट्रेनिंग होती है, अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन नहीं होती, बिकॉज देन द ब्लैडर सिस्टम कम्स इनटू मैकेनिज्म, उसका स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और इट होल्ड्स द यूरिन. लेकिन अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होने के साथ जो है वो जो है उसमें इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम
इंट्रावेजाइकल प्रेशर यानी डेट्रूजर मसल का प्रेशर जो है वो रेज ना हो रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, यानी डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुई लेकिन खाली इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर के रेज होने से ही उसको इनकॉन्टिनेंस होगी, क्योंकि नॉर्मली एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जब इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है तो डेट्रूजर मसल प्रेशर भी रेज होता है। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसमें बेसिकली हम फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन को असेस कर रहे होते हैं, तो अगर उसके साथ लीकेज है तो फिर वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आ जाएगा। अगर डेट्रूजर प्रेशर की थोड़ा सा जरा ट्रिकी चीज है जो समझने की जरूरत है कि आपने ये देखना है कि डेट्रूजर प्रेशर रेज हुआ या ना हुआ, नॉर्मली रेज होगा लेकिन लीकेज नहीं होगी। लेकिन अगर लीकेज है और उसमें इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर रेज हो गया, डेट्रूजर मसल प्रेशर रेज हो गया और लीकेज होगी, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है, डेट्रूजर इंस्टेबिलिटी। लेकिन अगर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर रेज हुआ, डेट्रूजर मसल प्रेशर रेज नहीं हुआ और फिर भी उसका इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन है, तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। सो दैट इज हाउ वी बेसिकली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स, जो खास तौर पे जो हमें क्लिनिकली जो प्रॉब्लम आती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये हमने सेंसेशन का मतलब है कि जब हम ब्लैडर को फील कर रहे होते हैं तो उसको फर्स्ट सेंसेशन कब आती है, फिर उसके बाद अर्ज वाली कब होती है, फिर बिल्कुल अर्जेंसी वाली कब होती है, ये 4-5 सेंसेशन है जो हमने नोट करनी होती है। कैपेसिटी कितना वॉल्यूम ब्लैडर होल्ड कर सकता है विदाउट रेजिंग द प्रेशर इसकी, और कंप्लायंस में भी उसके प्रेशर के साथ इसको हम कोरिलेट करते हैं, और डेट्रूजर एक्टिविटी की तो हमने बात कर दी। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी को जो यूरोफ्लोमीट्री है वो वॉइडिंग कैपेसिटी यानी जो उसकी वॉइडिंग फंक्शंस हैं उसको असेस कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टोमीट्री है जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी या उसकी स्टोरेज एबिलिटी को असेस कर रहा है, और ये अल्टीमेटली ये ज्यादा रिफाइंड या प्रिसाइज असेसमेंट ऑफ द ब्लैडर फंक्शन में आ जाता है। अब इसमें होता ये है कि हमने इसको फिजियोलॉजिकली सिमुलेट करना होता है कि नॉर्मल ब्लैडर में जब हम जो ब्लैडर जब फिल होती है तो उसमें उसमें किस तरह से सेंसेशन पैदा होती है, ये हमने उसको एक आर्टिफिशियल सेटअप में रिक्रिएट करना होता है, उसको सिमुलेट करना होता है। तो इसके लिए हमें ब्लैडर को फिल करने की जरूरत होती है, बट ग्रेजुअली, क्योंकि रैपिड फिल जो है वो हमेशा उसकी सेंसेशंस को इनिशिएट कर देगा एट अ प्री मैच्योर टाइम, और ये होना चाहिए एट रूम टेम्परेचर या एट बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा वार्म सेलाइन उसमें किया जाता है। इसमें स्लो रेट जो है वो अमूमन 10 मिलीलीटर पर मिनट है, जो कि फिजियोलॉजिकल के करीब करीब है, दो नॉट फिजियोलॉजिकल, क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो है वो तकरीबन 1-2 मिलीलीटर पर मिनट होता है, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से दें तो वो तो उसमें बहुत टाइम उसी में फिल करने में ही लग जाएगा, सो इट इज क्लोज टू द फिजियोलॉजिकल लिमिट। अब जो मीडियम है उसमें 10-100 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से हम कर रहे होते हैं, और फास्ट की अमूमन जरूरत कम पड़ती है, लेकिन फास्ट में मोर देन 100 मिलीलीटर पर मिनट। अब जो इनिशियल रेस्टिंग प्रेशर है, रेस्टिंग प्रेशर का मतलब ये है कि बिल्कुल जो उसका बेस लाइन प्रेशर है उसको हमने स्टार्ट पे ही कर लेना होता है, उसको मेजर कर लेना होता है। ये थोड़ा सा जो है ना ये अच्छा, इसमें जो है ये बेसिकली ये जो है ये वाला फिलिंग मीडिया है, फिलिंग मीडियम जो है वो अमूमन हम सेलाइन ही यूज करते हैं, वॉर्म सेलाइन जैसे मैंने बात की। अब इसमें जो कैथेटर हम ब्लैडर में डालेंगे, अब कैथेटर में ये हो सकता है कि ये अगर 2 या 3 वेल्व है तो एक कैथेटर के जरिए ही हम फिल, थोड़ा सा इसको इधर कर दें, वो फिर ग्राफ नजर नहीं आ रहा, वो भी ऊपर वाला फिर बस ठीक है ठीक। तो इसमें जो है वो 2-way या सिंगल भी हो सकता है, और 2-way, 3-way भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम उसको फिलिंग मीडियम जो है वो लैदा कैथेटर से दे रहे हैं या सेम कैथेटर के थ्रू। और ये मुमन 6-8 साइज का होता है मुमन, हालांकि हम 16 साइज का डालते हैं, और इसमें जो है वो ग्रेजुअली उस रेट जो रेट हमने डिस्कस किया वो कर दिया। अब जो दूसरा इसका प्रेशर कैथेटर है वो ये
वेसिकल प्रेशर हमें इंडिकेट कर रहा है. अब फिल जब हम कर रहे हैं तो वहां पे उसका वेसिकल प्रेशर नोट हो रहा है कि कहां कहां पे जाके उसका, डेफिनेटली जब उसमें होगा रेस्टिंग प्रेशर और फिलिंग प्रेशर फर्क हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ब्लैडर में एक हम वॉल्यूम इंस्टिल करेंगे, सेलाइन जाती जाएगी उसकी, जब कैपेसिटी भरती है तो उसमें उसका प्रेशर भरना शुरू हो जाता है. इसी तरह से जो दूसरा उसका कैथेटर है जो रेक्टम के अंदर डाला हुआ प्रेशर कैथेटर, ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी हमें साथ के साथ एक ग्राफ, ये एक मशीन के ऊपर ग्राफ आ रहा होता है, ये हम हाथ से नहीं ड्रॉ करते, ये एक ग्राफ मशीन होती है. इस तरह से इन दोनों को जो माइनस हम करेंगे वेसिकल और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो वो ये आ जाएगा. तो ये एक कैलकुलेशन होती है जो अगेन बाय मशीन की हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. अब ये वॉइडिंग फेज है, ये था फिलिंग फेज, यानी फिलिंग के दौरान में ये जो नॉर्मल है, कोई लीकेज नहीं है. अब फिलिंग के दौरान में ही हम आगे जाके ग्राफ्स में देखेंगे, फिलिंग के दौरान में ही पेशेंट को कुछ स्टिमुलाई दिए जाते हैं टू इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे कफिंग वगैरह है या कोई भी और हम इसमें स्टिमुलस दे सकते हैं. तो उसमें वो फिर देखा जाता है कि उसमें कोई लीकेज है या नहीं है, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना बढ़ा, वेसिकल प्रेशर कितना बढ़ा, और उसके नतीजे में कोई लीकेज हुआ या ना हुआ. देन द वॉइडिंग फंक्शन इज बीइंग असेस्ड, और ये हम सारे प्रेशर चेक कर रहे हैं. हमने जो यूरोफ्लोमीट्री थी उसमें हमने प्रेशर चेक नहीं किए थे, उसमें सिर्फ वॉल्यूम चेक किया था कि वॉल्यूम उसका सही है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फेज. तो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन उसके प्रेशर, इसके जो डेट्रूजर है और एब्डोमिनल प्रेशर, तो ज़ाहिर है स्ट्रेनिंग के साथ ये नहीं असेस किया जाता. दिस इज बीइंग टेस्टेड एट रेस्ट विदाउट एनी स्ट्रेनिंग, सिर्फ लास्ट में जाके थोड़ा सा मे बी अगर इनकम्प्लीट एपनिंग हो या पेशेंट को फील हो रहा हो तो फिर पेशेंट कैन स्ट्रेन, बट नॉट अदरवाइज. तो ये चीजें हैं जो इसमें हम इस तरह से उसको असेस कर रहे हैं. तो उसकी जो परसीव्ड सेंसेशन है, सबसे पहली सेंसेशन, अब सबसे पहली सेंसेशन जो है वो उस पर कोई फीलिंग उस तरह से नहीं हो रही होती, बस उसको फील हो रहा होता है समथिंग इज इनसाइड. अब जो दूसरी, जो पहली सेंसेशन ऑफ ब्लैडर फीलिंग है, उसको लगेगा कि बस है उसमें ब्लैडर में अभी यूरिन है या वॉट एवर. नॉर्मल फर्स्ट डिजायर टू वॉइड, जहाँ पे उसको के डिजायर होना शुरू हो जाती है कि अब यस आई नीड टू पास यूरिन. अमूमन ये 250 मिलीलीटर पे जाके नॉर्मल एक पेशेंट में, नॉर्मल जो एक इंडिविजुअल होता है उसमें 200 टू 2 मिलीलीटर पे जाके ये डिजायर डेवलप होना शुरू हो जाती है. स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड अर्ज टू वॉइड, इसमें जब पेशेंट को होता है कि बस अब फौरन मुझे जाना चाहिए, यानी उसमें उसको स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि अब नाउ आई शुड गो टू द टॉयलेट, ये अमूमन 400 से अबव पे आके होना शुरू हो जाती है. और फीलिंग ऑफ अर्जेंसी, यानी अर्ज कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, अमूमन ये 450 टू 500 पे जाके ये डेवलप होना शुरू हो जाती है. अब कब कब ये सेंसेशन डेवलप हुई, ऐसा तो नहीं कि ये नॉर्मल फर्स्ट डिजायर टू अवॉइड है वो 100 मिलीलीटर पे ही होगी, दैट इज अबनॉर्मल. इट मीन्स उसकी कंप्लायंस, उसकी कैपेसिटी कम है. इस तरह से स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड अर्ज टू अवॉइड कब हुई, ये भी इसका भी टाइम हमने देखना कि कितनी फीलिंग के बाद ये जो सेंसेशन आएंगे डेवलप होना शुरू हो गई. बाकी प्रोवोकेटिव फैक्टर्स की तो हमने बात कर ली थी कि कफिंग है, वेल सेल्वा मैन्यूवर्स भी हम इसमें कर सकते हैं, या लिसनिंग टू द रनिंग वाटर, वो कोई भी चीज जो कि इसको इनिशिएट करे. कैपेसिटी की भी हमने बात कर ली कि एक नॉर्मल जो है वो 500 मिलीलीटर तक वो कंफर्टेबली पेशेंट होल्ड कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात है. अब जो कंप्लायंस की बात थी कि फ्लूइड अंदर जा रहा है और उस पे उसके प्रेशर्स क्या हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्लायंस. तो उसमें इसमें कंप्लायंस ही होती है कि जिसमें लो प्रेशर पे ब्लैडर उसको एकोमोडेट कर सकता है वॉट एवर इज इन्फ्यूज्ड इनसाइड, या जब यूरिन होता है तो उसमें लो प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर नहीं, वो कंप्लायंस कम होने की निशानी होती है. तो लो प्रेशर के ऊपर कर सके. अब वो लो प्रेशर क्या है, व्हाट इज द बेसिकली कट ऑफ लिमिट्स. तो वो लो प्रेशर ये है कि हम जो डेट्रूजर प्रेशर 30 मिलीलीटर अगर फ्लूइड डालते हैं तो उस पे 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर में असेस किया जाता है डेट्रूजर प्रेशर जो है. तो उस पे हर 30 मिलीलीटर ऑफ फ्लूइड जो अंदर जाएगा उस पे डेट्रूजर प्रेशर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं भरना चाहिए. तो अगर हम 300 मिलीलीटर इन्फ्यूज करते हैं तो डेट्रूजर प्रेशर शुड बी 10 सेंटीमीटर और लेस.
ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूला के मुताबिक। तो अगर ये ज्यादा हो जाएगा, जैसे बाल दफा यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में या बाल दफा रेट्रूजर ओवर एक्टिविटी में रेस्टिंग प्रेशर भी ज्यादा होता है और इस तरह से उसकी कंप्लायंस कम इस तरह से होती है कि थोड़ा सा फ्लूइड डालो तो प्रेशर उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डेट्रूजर एक्टिविटी को जो हमने फिर असेस किया, जो एक आम नॉर्मल में होता है कि डिफरेंट हम उसको इंटरप्रेट बेसिकली कैसे करते हैं, तो नॉर्मल में नो कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग फिलिंग फेज, जब तक कि कोई हम उसको प्रोवोकेटिव फैक्टर ना उसमें लेके आए, कॉन्स्टेंट लो प्रेशर नॉट मोर देन 6 to 10 centimeters ऑफ वॉटर, तो अबव द बेस लाइन एट द एंड ऑफ फिलिंग, यानी बिल्कुल फिलिंग पूरी हम करके जहां पे उसको स्ट्रॉन्ग डिजायर फील हुई वहां पे हमने उसकी फिलिंग बंद कर दी। तो इसमें जो है वो प्रोवोकेटिव मैन्यूवर्स डज नॉट प्रोवोक ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये नॉर्मली है। अब ये जो ओवर एक्टिव, अब इसमें कोई लीकेज भी नहीं है, इसमें लीकेज का एक एडिशनल पॉइंट होता है, यानी प्रोवोकेटिव मैन्यूवर जो है वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन ना ही इनिशिएट करना जो है वो तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी हो सकता है, बट देयर देयर इज लीकेज, जो कि लीकेज आम नॉर्मल पेशेंट में नहीं होता। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर में वन और मोर कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग फिलिंग फेज, यानी आप फिल कर रहे हैं तो वो बगैर किसी प्रोवोकेटिव फैक्टर के भी उसमें कॉन्ट्रेक्शन आ रही है, उसमें लो एम्पलीट्यूड भी हो सकती है, हाई एम्पलीट्यूड भी हो सकती है, बट द डेट्रूजर मसल बिकम एक्टिव, यानी उसकी कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है। हाइपोटोनिक में तो बिल्कुल जो है वो साइलेंट होती है ब्लैडर, यानी उसमें हाईली कॉम्प्लाइंट ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर अगर कभी रिटेंशन ऑफ यूरिन, आप देखो कभी खासतौर पे नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये हो सकता है कि पेशेंट का जो ब्लैडर है वो इवन अप टू एम्बोलाइकस भी पहुंचा हुआ होता है, तो वहां पे पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं फील हो रही होती, तो वहां पे डेट्रूजर प्रेशर बहुत ही लो होता है, बेसिकली डेट्रूजर मसल बिकम्स इनएक्टिव टोटली, उसमें चाहे 1 liter के करीब भी हो जाए वो इनएक्टिव होता है, उसमें पेशेंट को कोई डिजायर फील नहीं हो रही होती, क्योंकि डिजायर तब होती है जब डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन या उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाए। तो इसमें प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ होता, दिस इज द मैकेनिज्म इन द पोस्टपार्टम रिटेंशन ऑफ द यूरिन। तो इसमें इंटरप्रिटेशन वही, तकरीबन वही चीज है, ये उसी की रेपिटेशन है कि इसमें डेट्रूजर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आती ड्यूरिंग फिलिंग फेज, और बाकी जो डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी है इसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन आ जाएंगी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में इनवॉलंटरी लीकेज विद इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर विदाउट डेट्रूजर कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज देयर इज ब्लैडर या नेक यूरिथ्रल हाइपरमोबिलिटी एंड इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी। हाइपरमोबिलिटी इसलिए कि उसके सपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, अब वो प्रोलैप्स के साथ है, बाज दफा ऐसा भी होता है कि प्रोलैप्स के बगैर भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये प्रोलैप्स के साथ ही हो। तो अगर तो पेशेंट बगैर उसके आता है प्रोलैप्स के, फिर भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसको, एंड दिस इज प्रूव्ड ऑन जो है ये उस पर यूरोडायनेमिक स्टडीज, तो देन वेरी स्ट्रांगली थिंक अबाउट सम स्फिंक्टर इनएबिलिटी, जो स्फिंक्टर डेफिशिएंसी, इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है, वहां पे फिर आर्टिफिशियल स्फिंक्टर्स का जो है वो एक सर्जरी सोची जा सकती है। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स टू डिसाइड अबाउट द मैनेजमेंट ऑप्शंस। तो इसी तरह से जो डेट्रूजर ओपनिंग प्रेशर मोर देन 80 centimeters में इंडिकेट आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये हमने पहले भी बात कर ली कि जो शुरू का प्रेशर है या जो जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 100 centimeters अगेन ड्यू टू आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे उसमें फ्लो रेट नॉर्मल ही हो, लेकिन डेट्रूजर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम फ्लो रेट, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टोमेट्री जिसमें के वॉइडिंग फंक्शंस असेस किए जाते हैं, जो हमने अभी उस ग्राफ पे देखा कि इसमें हमने वॉइडिंग फंक्शन भी असेस करना है, एक तो हमने फिलिंग फंक्शन असेस किया और फिर वॉइडिंग के दौरान में भी, यानी इसका जो ओपनिंग प्रेशर है, ओपनिंग का मतलब होता है यहाँ पे, ओपनिंग यहाँ पे नहीं है, ये एट रेस्ट है, ये ओपनिंग प्रेशर है, और वॉइडिंग प्रेशर यानी यहाँ पे जो उसका क्यू मैक्स यहाँ पे आता है, कि क्यू मैक्स जो है वो उसमें अगर 100 centimeters ऑफ वाटर से ज्यादा है और यहाँ पे 80 centimeters से ज्यादा है और फ्लो रेट ठीक है, फिर भी आप इसको आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए असेस करोगे। तो इसमें जो है वो नॉर्मली ये है, इसमें जो वेसिकल प्रेशर है ये इसमें कफ का, क्योंकि कफ के इंपल्सिस ऑफ एंड ऑन बीच में देने होते हैं, क्योंकि जब तक हम कफ का इंपल्स नहीं देंगे
तब तक हमें नहीं ये पता चलेगा कि विद द रेज इन इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इज इट ट्रांसमिटेड टू द वेसिकल प्रेशर या डेट्रूजर मसल प्रेशर जो है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता। और इसके साथ आपने फिर लीकेज को भी देखना होता है, जो लीकेज उस पर आइडेंटिफाई हो जाती है। तो ये वाली चीजें इसमें ये ट्रिगर ऑफ एंड ऑन दिए जाते हैं, और ये फिर उसके बाद उसका वाइडिंग, ये उसकी कैपेसिटी है जहाँ पे अर्जेंसी ऑफ टू वॉइड, यानी ये अर्जेंसी टू वॉइड पे आप उसकी टोटल कैपेसिटी है। तो इसमें इसमें इस पेशेंट में जो है वो 519 मिलीलीटर थी इसकी, और जो फर्स्ट सेंसेशन आ गई वो 172 मिलीलीटर पे थी। तो इसका अच्छी कंप्लायंट इसका ब्लैडर है। और उसके बाद फिर जो इसका जो है वो बाकी जो पीक प्रेशर्स हैं और ये सारे इसमें जो है ये सारा फिर उसमें असेस किया जाता, क्योंकि जो फिलिंग प्रेशर्स होते हैं यानी मैक्सिमम जो प्रेशर आफ्टर कंप्लीट फिलिंग यानी यहाँ तक आके वो 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। यहाँ पे ये जब हम कर रहे होते हैं तो 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन्फ्यूज्ड, लेकिन जब पेशेंट वॉइड करते हैं तो उसके प्रेशर बढ़ जाते हैं। बट डेफिनेटली इट शुड नॉट बी एट द ओपनिंग 80 जो हमने बात की थी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की, और यहाँ पे 100। सो दिस इज अ नॉर्मल सिस्टोग्राम। ये क्या चीज है, अब ये मुझे आप लोग बताओगे। हाँ जी, इसमें इस पे जरा मुझे बताओ कि ये क्या चीज है, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा बेस लाइन तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन व्हाट इज दिस? जी एनी वॉलंटियर? देखो ये वेसिकल प्रेशर है, ये डेट्रूजर प्रेशर है, ये एब्डोमिनल प्रेशर है। तो इस पे क्या आपको नजर आ रहा है? वॉइडिंग फेज यहां से शुरू हो रहा है, यानी यहां से। देखो एक्सरसाइज करने का ये मतलब होता है कि आप इसको मतलब आप खुद भी ट्राई करें, ठीक है? तो अब यहाँ पे भी एब्डोमिनल प्रेशर आ गया, ये जो है वो एब्डोमिनल प्रेशर है, ये जो है ये एब्डोमिन उसका वेसिकल प्रेशर है, ये जो है ये डेट्रूजर मसल का प्रेशर है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? मैं मोर एक्टिव ब्लैडर, क्योंकि रिट्रूसर और वेसिकुलर प्रेशर के साथ एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो तो कम हो रहा है। इसमें बेसिकली जब हमने कफ इंपल्स दिया या कोई भी और ट्रिगर, तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, वेसिकुलर प्रेशर बढ़ गया, लेकिन रिट्रूसर प्रेशर नहीं बढ़ा। क्या लीकेज है यहाँ पे कहीं? नो, ए में नहीं है। और बी में? बी में मैम लीक है, फ्लो है, मतलब जब उनका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा फ्लो है, ठीक है, ये फ्लो का ये जो है ये कर रहा है, लेकिन डेट्रूजर मसल का प्रेशर नहीं बढ़ा। अब वेसिकल प्रेशर ठीक है, वो बेसिकली ट्रांसमिशन होती है ना एब्डोमिनल प्रेशर की ब्लडर के अंदर भी, लेकिन अल्टीमेटली अगर ऐसा होता तो फिर हम इसी को फाइनली ले लेते वेसिकल प्रेशर को, लेकिन हमें इसको माइनस करके डेट्रूजर निकालना पड़ता है। बट हियर देयर इज नो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डेट्रूजर मसल, यानी डेट्रूजर मसल साइलेंट है बिल्कुल, इस पे उसकी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि डेट्रूजर मसल है जो साइलेंट है, लेकिन अब डोमिनल प्रेशर का जब रेज हुआ तो यहाँ पे थोड़ी सी लीकेज हो गई, ठीक है। ये फिलिंग फेज के दौरान में है, हालांकि मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी यहाँ पे आके हो गई थी, और ये फिर उसका फ्लो रेट तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है सी पॉइंट पे भी लीकेज उसका है जो कि शुरू में ही था। तो ये बेसिकली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को इंडिकेट करता है, नॉट द ओवर एक्टिव ब्लैडर हम तब कहेंगे जब लीकेज ना हो, लेकिन यहाँ पे भी उसका प्रेशर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैम ये फिलिंग प्रेशर पे हम ले रहे हैं ना, ये तो फिलिंग फेज में पे ले रहे हैं। फिलिंग प्रेशर पे देखो जो जो वॉइडिंग प्रेशर्स हैं वो ये हैं, ये जो आखिरी वाला हिस्सा है ना जो 10:30 से लेके 12 तक था, ये बेसिकली उसको कवर कर रहा है जहाँ पे उसकी वॉइडिंग स्टार्ट हो गई। ये ओपनिंग प्रेशर, ये जो वी मैक्स वाला प्रेशर है, ये वो है क्यू मैक्स, सॉरी, तो ये क्यू मैक्स वाला प्रेशर है, ये ओपनिंग प्रेशर है, और ये जो है ये वेसिकल प्रेशर है, बट दिस इज नॉट ट्रांसमिटेड इन टर्म्स ऑफ द डिट्रूजल प्रेशर।
तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है डेट्रूजर मसल। ये तो बाकी तो रेलिवेंट चीजें हैं, यानी ये तो हमने डेट्रूजर मसल का प्रेशर निकालने के लिए हमने वेसिकल प्रेशर कैनुलास डाले उसके अंदर, क्योंकि और हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि हम डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन या उसके प्रेशर को डायरेक्टली मेजर करें। ठीक है, अब हम आते हैं और कुछ ग्राफ्स पे, जरा उसकी भी आप एक्सरसाइज कर लो। हाँ जी, ये क्या है? इसमें सिर्फ फिलिंग का दिखाया हुआ है, इसमें वॉइडिंग नहीं है। बेसिकली जो कुछ चीजें हैं वो हमारी सॉर्ट आउट, क्योंकि दो जो वॉइडिंग वाली चीज है वो उसमें ठीक है, प्रेशर उसके भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम यूरोफ्लोमीट्री के बगैर भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, ये इससे क्या अंदाजा हो रहा है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मैम ये भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ना, एब्डोमिनल और वेसिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्शंस। हाँ, दोनों प्रेशर बढ़े तो ये लीकेज शुरू हो गया, जबकि इसका मिनिमल राइज इन डिट्रूसर प्रेशर है। जो होना चाहिए उसका राइज ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग वॉइडिंग फेज, दैट इज नॉट अप टू दैट। क्योंकि देखो, हमने अभी पहले ही बात की थी कि एम्पलीट्यूड जो है वो लो एम्पलीट्यूड भी हो सकता है और हाई एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ये बेसिकली जो है वो सॉरी ये स्ट्रेसिंग वो है ओवर एक्टिव ब्लैडर है, क्योंकि जो हमने बात की थी ना अभी के ये कॉन्ट्रेक्शन जो है वो एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर द लो एम्पलीट्यूड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डेट्रूजर मसल। ये इस तरह से ये सारी देखो लो एम्पलीट्यूड है, इट्स नॉट एट द बेस लाइन, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये साइलेंट है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये इसका लो एम्पलीट्यूड कॉन्ट्रेक्शन है इन लाइन विद द वेसिकल एंड द एब्डोमिनल प्रेशर। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है। अब ये क्या है मैम? ये जो आपने लास्ट वाला दिखाया है, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस नहीं हो सकता? वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस वही है ना जो डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी से होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर से होता है। सही सही। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ डिट्रूजर कॉन्ट्रेक्शन। अच्छा, ये क्या है? हेलो वैष्णव। हाँ जी, मैं जरा अभी ना एक क्लास में बिजी हूँ, मैं जरा ठहर के एक घंटे तक मुझे कॉल करना। ठीक है। हाँ जी मैम, प्रोवोक और डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी, लेकिन क्या है ये? देखो, प्रोवोक्ड पे यानी ये लीक पॉइंट है जहाँ पे इंट्रावेसिकल प्रेशर बढ़ गया, ये कफ इम्पल्स के साथ ये बढ़ गया, और वेलसेल्वा मैन्यूवर के साथ डेट्रूजर कॉन्ट्रेक्शन यहाँ तो नहीं आई लेकिन वेलसेल्वा के साथ आ गई, एंड देयर इज लीकेज। यहाँ पे वेसिकल इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर दोनों ही बढ़ गए। बेसलाइन को नहीं टच कर रहा, और यहाँ पे जब हमने इसको प्रोवोक फैक्टर हुए तो इसमें डेट्रूजर मसल कॉन्ट्रेक्शन की आ गई, क्योंकि रिमेम्बर एम्पलीट्यूड की हाइट सॉरी उसका जो कॉन्ट्रेक्शन की एम्पलीट्यूड है वो नहीं मैटर करती, वो लो एम्पलीट्यूड हाई एम्पलीट्यूड दोनों हो सकते हैं। इसलिए जब आप ग्राफ की इंटरप्रिटेशन करें तो आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो दिस विल इंडिकेट वेलसेल्वास मैन्यूवर्स पे लीकेज जो उसका हो गया और डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो गई, दिस इज ड्यू टू डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि ये वेलसेल्वा के साथ के डेफिनेटली ये इसका लीकेज है। अच्छा जी, ये क्या है? ये भी ओवर एक्टिव ब्लैडर है। यस, दिस इज ओवर एक्टिव ब्लैडर। ठीक है, तो ये बड़ी ये टिपिकल है जिसमें हाई एम्पलीट्यूड कॉन्ट्रेक्शन आ गई, डेट्रूजन मसल की ये कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे इस तरह से ये आई, ब्लड इंट्रावेसिकल प्रेशर रेज हो रहा है लेकिन इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर रेज नहीं हो रहा, यानी ये बगैर किसी प्रोवोकेशन के है। सिर्फ ब्लैडर की फिलिंग के दौरान ही मसल हैज बिकम एक्टिव, यानी वो मसल की एक्टिवेशन शुरू हो गई, एंड दिस इज टिपिकल। ये बड़ा एक क्लासिकल जो है वो ग्राफ है अबाउट ओवर एक्टिव ब्लैडर। बाकियों में तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्लस माइनस ये लो एम्पलीट्यूड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कंफ्यूजन है, बट दिस इज वेरी क्लियर जहाँ पे डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग द फिलिंग फेज। ये फिलिंग फेज है।
अच्छा जी, अब एक यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइल मैं क्वेश्चन पूछना है कि इस सारे ग्राफ में हमें कॉम्प्लेंस पे भी कमेंट करनी है। जी जी सॉरी, दोबारा बताइए मैम। एवरी ग्राफ में हमें ब्लैडर की कॉम्प्लेंस में भी कमेंट करनी है, कॉम्प्लेंस पे। नहीं देखो, आपने तो अपना डायग्नोसिस बनाना है इस ग्राफ के ऊपर, लेकिन फर्ज किया ये इसी ये ग्राफ आपको आ जाता है और पेशेंट की कंप्लेन है वही जो हमने पहले सिनेरियो दिया था कि 55 इयर्स ओल्ड है और उसमें उसको जो है वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है या इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, बेसिकली ज्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रेस इंड्यूस तो फिर स्पेसिफिक हो जाता है। तो उसमें कोई प्रोलैप्स उसको नहीं है, ठीक है, या फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स भी आप उसको कह सकते हो, जो कि बहुत बार दफा कॉमनली उसको बहुत डिस्प्लेस नहीं करता एनाटॉमिकली यूथ्रोवेजाइकल एंगल को। तो उस सूरत में उसका जो ग्राफ हुआ वो ये हुआ, तो व्हाट डू यू सजेस्ट। अब ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ओवर एक्टिव ब्लैडर के बहुत सारी रीजंस होती हैं। इट कैन बी ड्यू टू सम न्यूरोजेनिक फैक्टर्स, इट कैन बी ड्यू टू सम, ज्यादा तो इसमें यूटीआई या कोई जो है ये वो वाली सारी चीजें आ सकती हैं। लो कैपेसिटी ब्लैडर हो सकती है, आफ्टर रेडियोथेरेपी हो सकती है। सो यू हैव टू बेसिकली, उसके लिए फिर आपको जो है वो पूरी हिस्ट्री, क्लिनिकल कोरिलेशन अगेन विल बी नीडेड इन दिस, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसमें जो है वो आपने फिर इसमें रेलिवेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा अपने एक्सटेंडेड टॉक्स में भी कि इसमें हमेशा जो एवेल्युएशन, हाउ यू विल एवेल्युएट द पेशेंट, एवेल्युएशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द रेलिवेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड द इन्वेस्टिगेशन। दिस इज मस्ट डू इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द क्लिनिकल डेटा इन डिटेल। तो क्लिनिकल डेटा अगर इन डिटेल में आपके पास नहीं है तो फिर उस सूरत में आपने पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन, रेलिवेंट चीजें, ठीक है, अगेन मैं इस पे एम्फेसाइज करूंगी रेलिवेंट, इररेलीवेंट में अगर आप पढ़ जाओगे तो फिर उसका तो कोई एंड ही नहीं होता, फिर तो आपके 10 मिनट इसी हिस्ट्री के पॉइंट्स ही लिखने में या बताने में लग जाएंगे। तो ये जो है ये फिर इस तरह से आपने इसको कोरिलेट करना है क्लिनिकली। मैम ये हाइपोटोनिक ब्लैडर और आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का भी जरा इस पे इंटरप्रिटेशन बता दे प्लीज। देखो हाइपोटोनिक ब्लैडर जो है ना उसमें हम जाते हैं पीछे, हाइपोटोनिक ब्लैडर जो है वो हमें यूरोफ्लोमेट्री पे बहुत अच्छी तरह से ये पता चल जाएगा, क्योंकि उसका जो यूरोफ्लोमेट्री, पेशेंट अमूमन आती है आपके पास रिटेंशन ऑफ यूरिन के साथ, ठीक है, और उसमें एक तो अब ये जो है, अब इसमें हमने तीन चीजें डिस्कस की थी कि ये हाइपोटोनिक ब्लैडर में भी हो सकता है इसका, यानी ये वाला जो बेल शेप्ड कर्व है ये स्लो पेस में चलेगा। कर्सर सबको नजर आ रहा है मेरा? कर्सर नजर आ रहा है जहां मैं? हाँ ठीक है। तो ये जो इसकी बेल शेप है, ये बेसिकली बेल शेप एक तो लो एम्पलीट्यूड होगी और ग्रेजुअली ये बहुत लिंगर ऑन करेगी, यानी उसका जो एम्पटिंग टाइम है वो ऐसे अब्रप्टली एंड नहीं होता, वो आगे लिंगर ऑन करेगा। अब ये चीज हाइपोटोनिक ब्लैडर में भी हो सकती है, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में भी हो सकती है, लेकिन इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट हम ऐसे करेंगे कि हम आते हैं ये कॉम्प्लायंस की तरफ यहां से, क्योंकि जो रेस्टिंग प्रेशर है, जो इसका रेस्टिंग प्रेशर है वो इसका ऑलरेडी ज्यादा होगा, ठीक है, इसका रेस्टिंग प्रेशर यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर को इंडिकेट करेगा। हाइपोटोनिक ब्लैडर में रेस्टिंग प्रेशर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है, क्योंकि ये जो फिर सिस्टोमीट्री की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो यूरोफ्लोमीट्री है इस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है या ब्लैडर की इनकैपेसिटी की वजह से है, यानी इसमें कोई ब्लैडर हाइपोटोनिक है। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट करना है। एक तो उसमें ये कि पेशेंट की अपनी सेंसेशन भी बहुत मैटर करती है, जब भी डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन होती है पेशेंट ऑलवेज फील द अर्ज, तो पेशेंट के सिम्टम अगेन क्लिनिकल कोरिलेशन विल बी नीडेड। तो पेशेंट की अर्ज या उसको सेंसेशन फील होती है, क्योंकि बाज दफा ऐसे होता है पेशेंट कहता है मुझे फील हो रहा है यूरिन आना लेकिन आता नहीं, सो दैट इज कॉमनली जो है वो रफली या हम इसको कह सकते हैं कि ये ब्लैडर हाइपोटोनी नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को पता ही ना हो, उसकी सेंसेशन ही ना डेवलप हो, उसको पता ही नहीं है ब्लैडर फुल है या नहीं है, एंड शी इज अनएबल टू पास द यूरिन, देन यूजुअली इट्स अ सिनेरियो ऑफ हाइपोटोनी, ब्लैडर हाइपोटोनी, एंड फर्दर वी असेस इट ऑन सिस्टोमेट्री, क्योंकि सिस्टोमेट्री पे जो इसकी जो ये डेट्रूजर मसल प्रेशर है, ये हम अब इसकी तरफ आते हैं, ये प्रेशर्स, हाँ, इसमें जब आप एक ओवर एक्टिव ब्लैडर में देंगे तो इसमें डेट्रूजर मसल का जो प्रेशर है वो ज्यादा रेस हो जाता है,
यानी उसकी एम्पलीट्यूड आना शुरू हो जाती है, इंट्रूजर मसल की आना शुरू, तो इंट्रावेसिकुलर प्रेशर रेज हो जाएगा। हाँ जी, ये जरा माइक प्लीज जरा म्यूट कर दे ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो इसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर में डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन आएंगी, इंट्रावेसिकुलर प्रेशर विल बी रेज, लेकिन हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में कोई प्रेशर डेट्रूजर मसल का रेज नहीं होगा। इज इट क्लियर? जी मैम, क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम उसके प्रेशर से फिर उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इट विल नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन यूरोफ्लोमेट्री अलोन, उसमें हमें सिस्टोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे। यूरिनरी प्रेशर बेसिकली हम इस तरह से करते नहीं है। सिस्टोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कैसी होगी मैडम, ये जैसे ग्राफ है? ठीक है, इसमें हम वापस ग्राफ की तरफ जाते हैं। अब देखो, ये जो है ना, ये टिपिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ठीक है ना, इसमें हमने फिल किया, ब्लैडर को फिल किया वाटर के साथ, तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन आना शुरू हो गई। जो हाइपोटोनिक ब्लैडर है, इसमें हम फिल करते जा रहे हैं, ये साइलेंट है, डेट्रूजर मसल बिल्कुल साइलेंट है। समझो ये नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है, उसमें लीकेज अमूमन नहीं होता बिकॉज स्फिंक्टर इज इंटैक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें अगर यहाँ पे मसला है कि उसका जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, जरा प्लीज माइक म्यूट कर दें जिसका भी ऑन है। तो इसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर में डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रेक्शन और ब्लैडर हाइपोटोनी में डेट्रूजर मसल का साइलेंट होना, तो डेट्रूजर मसल का साइलेंट होना तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। सो ऑन द ग्राफ डेट्रूजर मसल विल बी एट द बेस लाइन, उसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं आएगी, ना लो एम्पलीट्यूड ना हाई एम्पलीट्यूड, जबकि हम इसको फिल कर रहे हैं। तो इवन इसमें, इवन विद द प्रोवोकेशन एंड मोर ओवर, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि इसमें पेशेंट को कोई अर्ज या सेंसेशन, फर्स्ट सेंसेशन या उसके बाद उसकी सेकेंड सेंसेशन या अर्ज सेंसेशन या अर्जेंसी सेंसेशन कुछ भी नहीं होता, और आप पेशेंट की ब्लैडर को फिल कर सकते हैं अबव 500 भी और पेशेंट को कोई सेंसेशन फील नहीं होगी। दैट इज वेरी वेरी टिपिकल ऑफ डेट्रूजर हाइपोटोनी। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, तो यूरिथ्रल प्रेशर बेसिकली हम साथ ही सिस्टोमेट्री के वो कर रहे होते हैं, ये वहां पे हम करते हैं जहां पे हमें लगे कि जो जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे कोई मसला है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा यूवी प्रोलैप्स को, ये भी हम जरा आज कवर कर लें, वरना हमारा यूवी प्रोलैप्स वाला तो अगले उस पर चला जाएगा। तो इसमें बेसिकली नॉट अ बिग डील टू डू इट, क्योंकि यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स आप हर रोज कर भी रहे होते हैं और आपको बेसिकली उसकी सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये भी जानना कि डेफिशिएंट एरियाज कौन से हैं, यानी प्रोलैप्स किस एरिया का है, क्योंकि जब तक आप उसके कंपार्टमेंट के डेफिशिएंसी नहीं आइडेंटिफाई करते आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन गोल इसका होता है वो होता है कि आप सिम्टम्स को एलिविएट करें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को रिस्टोर करें, जो उसकी नॉर्मल एनाटॉमी है उसको आपने रिस्टोर करना है, एंड रिस्टोर एंड प्रिजर्व यूरिनरी बावल एंड सेक्शुअल, यानी इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो आफ्टर योर मैनेजमेंट, यानी इन तीनों को रिस्टोर करना बड़ा जरूरी है। बार दफा पेशेंट को यूरिनरी या बावल कंप्लेन नहीं होती सर्जरी से पहले लेकिन बाद में हो जाती है, या सेक्शुअल फंक्शंस प्रॉब्लम नहीं होते लेकिन बाद में हो जाते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको एनाटॉमिकली मैनेज करें। ठीक है, उसकी जब तक हम एनाटॉमी, यानी वजाइना का एंगल, उसकी लेंथ, उसके जो बाकी एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शंस हैं, हम उसको जब तक उस पर फोकस नहीं करते तब तक हम इसको करेक्टली मैनेज नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट डिसीजन किन चीजों पे बेस करती है, दैट ऑल यू नो, हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि पेशेंट के जो है ना लाइफस्टाइल फैक्टर जरूर असेस करें। वो लाइफस्टाइल फैक्टर का मतलब ये है, पेशेंट को अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कफ है, स्मोकर है, या वो बहुत दफा हमारे जो पेशेंट्स आते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जिनका फार्मिंग वाला काम होता है, सो उनका डे टू डे जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग और ये सब चीजों पे होता है। फर्स्ट यू हैव टू मैनेज दोज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, क्योंकि अगर एक पेशेंट जो के इसी तरह के काम करते हैं या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, नॉट रिलीव, इट कैन रीकर, वो दोबारा से हो सकता है। तो बाकी तो सारी चीजें आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें आपने बॉडी वेट, अगर BMI 30 से ज्यादा है तो उसको वेट करो, वो उसको रिड्यूस आपने करना है, और हैवी लिफ्टिंग की हमने बात कर ली, और ये सारी चीजें।
और इसमें जो हमने चीज असेस की थी कि हमने और क्या चीजें देखनी होती हैं, वो है विजाइनल टिश्यू हेल्थ, कि इसमें विजाइनल एट्रोफी तो नहीं है, क्योंकि उसमें जो टिश्यू वीकनेस है उसको फिर हमने एड्रेस करना होता, एंड दैट वी शुड बाय यूजिंग द टॉपिकल ईस्ट्रोजन बिफोर द एक्चुअल सर्जरी, या साइड बाय साइड अगर हम नॉन सर्जिकल मेथड भी यूज कर रहे हैं तो। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग goes along or alongside any other therapy, यानी अगर हमने conservative कोई पैसी insertion भी करनी है तो भी ये जो है वो इसके उसके साथ साथ ही हम इसको patient को कहते हैं, and even after the doing surgery, और कम अज कम अगर हमने इसको purely suppose ये stage 1 या 2 है POPQ classification के मुताबिक, तो इसमें हम 16 weeks की फिजियोथेरेपी का उसको जरूर बताते हैं, जो पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग है, जो कीगल एक्सरसाइजेस कहलाते हैं। और बाकी पैसरीज आपको याद होगा कि आपके एक एग्जाम में पैसरी इंसर्शन का टीचिंग स्टेशन भी आया हुआ था, तो पैसरी इंसर्शन यू कैन बी आस्क्ड टू इंसर्ट योरसेल्फ, उसमें स्किल डेमोन्स्ट्रेशन में भी आ सकता है और इसमें एक टीचिंग स्टेशन भी आ सकता है, तो या फिर पेशेंट की डिस्कशन ही करते करते कि ये पेशेंट ऐसे है, ये सिनेरियो के साथ है, आप इसमें मैनेजमेंट ऑप्शन क्या करेंगे या इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलिवेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड एक्चुअली असेसिंग द पेशेंट्स फिटनेस या उसकी सूटेबिलिटी फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ पॉप, तो उसमें अगर आपने पैसरीज को सिलेक्ट कर लिया देन यू कैन बी आस्क्ड टू इंसर्ट इट ऑन द मैनिक्विन, तो ये आपको खुद भी जो है वो इंसर्ट करना जो है, लेकिन मेरा ख्याल है एक दफा ये आ चुका हुआ है एज अ टीचिंग स्टेशन, तो इसका ये है कि इसमें आपने इन कॉम्बिनेशन या अलोन ये पेल्विक फ्लोर मसल के साथ हम कर सकते हैं, और ये पैसरी जो है वो प्रोलैप्स को रिवर्स नहीं करती, यानी ट्रीट नहीं करती, लेकिन उसकी प्रोग्रेशन को रोकती है। तो इसमें जो प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर ये टीचिंग स्टेशन है या अगर आपने खुद भी स्किल डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, तो व्हाट यू नीड टू मेंशन टू योर लर्नर और टू योर एग्जामिनर, के इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि आपका पेशेंट कंप्लायंट होना चाहिए, आप उसको पैसरी रख के भेज दो, वो आपको बाद में फॉलो अप के लिए ना आए और बाद में फिर ये इम्पैक्टेड पैसरी के साथ आ जाए, और इम्पैक्टेड पैसरी के अपने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड द वर्स्ट वन कैन बी द फिस्टुला फॉर्मेशन या इनकार्सरेशन जो होती है, तो पेशेंट का कंप्लायंट होना बहुत जरूरी होता है। विजाइनल एट्रोफी को पहले ट्रीट कर लें, क्योंकि फिर पैसरी इंसर्शन के बाद इसके साथ जो है वो ज्यादा मसले होने के चांसेस है, इंफेक्शन है, हेमरेज है, उसकी जो है इंफेक्शन है या इनकार्सरेशन है, ये सब चीजें। अब हमने जो इसका साइज असेस करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि साइज हम अमूमन हिट एंड ट्रायल बेसिस पे करते हैं, और बाज दफा पेशेंट को हम एक पैसरी साइज मंगवाते हैं, बट मे बी वी नीड इट ऑफ अ डिफरेंट साइज, इसकी कॉम्प्लिकेशन जरूर बताएं पेशेंट्स को और उसके इफेक्ट्स ऑन द सेक्सुअल फंक्शन जो अमूमन नहीं होते, बल्कि दीज आर इम्प्रूव्ड आफ्टर रिडक्शन ऑफ द प्रोलैप्स, और उसके बाद उसको ये भी बताना जरूरी है कि फॉलो अप कितना जरूरी है, क्योंकि उसको रिमूव करके या टिश्यू हेल्थ को देखना जरूरी होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को देखना जरूरी होता है। तो पैसरी साइजिंग हम कैसे करते हैं, वैसे आप लोग कैसे करते हो, एनी आइडिया, इसको हम पीछे ले जाते हैं, पैसरी साइजिंग कैसे करते हो, आप में से कोई जो जिसको पता हो कि पैसरी का साइज कैसे असेस किया जाता है, जी एनी आइडिया, मैम बुक में ही पढ़ा था पर वजाइनल करते हैं, दो फिंगर्स लेके जाते हैं, एक सिंफिसिस प्यूबिस के नीचे होता है और एक पोस्टीरियर फोर्निक्स में होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, चलो आधा तो हिस्सा आपने सही बता दिया, तो बेसिकली इसको वजाइनल एग्जामिनेशन से ही हमने देखना होता है। अब पोस्ट मेनोपॉजल में यूजुअली, अब जैसे हम पहले जब लॉन्ग केसेस होते थे तो उसमें जो स्पेकुलम साइज था वो हमेशा पेशेंट की पैरिटी, एज और उसके हिसाब से होता था, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल में एक बहुत स्मॉल साइज का स्पेकुलम साइज डाला जाता था, सो वी एक्सपेक्ट कि जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है उसमें उसका पैसरी साइज छोटा होगा, ये तो है जो हिस्ट्री के ऊपर या एग्जामिनेशन के ऊपर हम बेस करते हैं, बट जो प्रिसाइजली हमने देखना होता है
क्लोज टू प्रिसीजन, उतना प्रिसाइज तो नहीं होता क्योंकि हम मेजरमेंट उस तरह से तो नहीं कर रहे होते, बट यू परफॉर्म विजाइनल एग्जामिनेशन उसकी लेंथ और विड्थ ऑफ द विजाइना, ये इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो आपने बताया उसी तरह से ही है। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस बिटवीन द पोस्टीरियर फॉर्मेक्स एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस ये हम मेजर करते हैं, और दूसरा हॉरिजॉन्टली एट द लेवल ऑफ द सर्विक्स और विजाइनल वॉल टू डिटरमिन द विजाइनल विड्थ, यानी दो हम डायमेंशंस लेते हैं, यानी एक तो उसमें है बिटवीन द पोस्टीरियर फॉर्मेक्स एंड द सिम्फिसिस प्यूबिस, और दूसरा है बिटवीन द सर्विक्स या विजाइनल वॉल्स के साथ, और उसका उसमें पूरा हमने लैटरली फिंगर्स को ओपन करके उसकी विड्थ हमने देखी, तो दो डायरेक्शन में हमने साइज असेस किया। फिर उसके बाद हम अप्रोक्सीमेटली उसका साइज हम देखते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं विद द स्मॉलेस्ट साइज और इंक्रीज करते हैं अगर जरूरत हो तो। तो इसमें जो है वो जो पेसरी इंसर्शन है, ये अगर आपका ट्रेनर है आपके पास और आपने उसको करना है, टीच करना है, तो योर टीचिंग विल स्टार्ट, मतलब उससे पहले जो हमने टीचिंग सेशन से रिलेटेड कुछ प्री रिक्विजिट्स मेंशन किए हुए हैं उन सबको करके, तो उसके बाद ये कि इसमें इस पेशेंट में इतने प्रोलैप्स के साथ कौन सी पेसरी सूटेबल रहेगी, फिर उसके बाद के प्री रिक्विजिट्स इसके क्या हैं, हाउ यू असेस द पेसरी साइज, और फिर पेसरी इंसर्शन आपने करनी कैसे है, उसमें ब्लैडर एंड बाउल शुड बी एम्प्टी, और फिर उसके बाद लो आपका आपने जो अप्रोप्रिएट साइज, नियर टू अप्रोप्रिएट साइज जो आपने मेंशन किया हुआ है या निकाला है, तो उसमें उसके हिसाब से फिर आप पेसरी उसमें इंसर्ट करते हो। और अब ये हमने साइज कैसे असेस करना है, इसमें आप उसका लीडिंग एज जो है, यानी एक एज है जो उसके विजाइना के अंदर जा रहा है, तो उसको सिर्फ आप लुब्रिकेट करते हैं, आप सारी उसको पेसरी को लुब्रिकेट नहीं करते, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट इट इनसाइड, इट विल स्लिप इन योर हैंड्स। फिर आप इसको फोल्ड करते हो पेसरी को, तकरीबन वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हुए बिटवीन योर टू फिंगर्स यू विल इंसर्ट इट इनसाइड, और इसका जो एक एंड है वो जाता है बिल्कुल पोस्टीरियर फॉर्मेक्स में, और दूसरा दैट शुड रेस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस, ये उसकी जो एक्चुअल जो प्लेसमेंट है वो फिर इसकी ये होगी कि उसका जो पोस्टीरियर एज है दैट शुड बी इन द पोस्टीरियर फॉर्मेक्स, और जो दूसरा एज है दैट शुड रेस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस लाइक दिस, ये उसकी एक्चुअल प्लेसमेंट है कि ये इसका यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तब ही ये इसको होल्ड करेगा अपनी जगह पे, अगर ये यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा इट विल स्लिप आउट। तो आफ्टर इंसर्शन पेशेंट इज आस्क्ड टू वॉक अराउंड एंड पास्टुरेट, क्योंकि ये अब आपने एडिक्वेट साइज और एडिक्वेट इंसर्शन को चेक करने के लिए है, अगर वो निकल जाए ड्यूरिंग वॉकिंग। अब इसमें ये भी होता है कि जब आप पेसरी इंसर्ट कर लेते हो तो उसी वक्त देयर एंड देन आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द पेसरी जो एग्जामिनर की फिंगर है, यानी जो गायनेकोलॉजिस्ट की फिंगर है, दैट शुड नॉट सिर्फ एक फिंगर के अलावा उसके बिटवीन द वेजाइनल वॉल एंड पेसरी एक फिंगर से ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली द पेसरी शुड नॉट बी विजिबल, उसमें हमें जब इंसर्शन के बाद हमें उसको पेसरी हमें विजिबल नहीं होनी चाहिए, नजर नहीं आनी चाहिए, अगर वो विजिबल होते इसका मतलब है वो बहुत लो है, लेकिन जब पेशेंट वॉक करता है तो अगर वो एक्सपेल हो जाए तो इट इज टू स्मॉल, और अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है यूरिन को तो इट इज टू बिग, तो हम फिर डिफरेंट साइज का इसमें करते हैं, और उसके बाद फिर पेशेंट को फॉलोअप बताते हैं, उसको केयर बताते हैं, और फिर उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जो हमने बताई होंगी उसको कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, फिर हम इसके बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं। अब इस सर्जिकल ऑप्शंस में तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव एज टिल द एज ऑफ मेनोपॉज, और फिर उसके टाइप ऑफ प्रोलैप्स के ऊपर भी, यानी कौन सा जो ऑर्गन है वो प्रोलैप्स हुआ होगा। तो जो अपर वेजाइनल प्रोलैप्स है, अब इसमें एक चीज ये भी होती है कि जब आप वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हो तो उसमें आपने जो उसकी नेचुरल जो सपोर्ट्स हैं, यानी जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं, उनको वहीं पे फोकस आपने करना है, क्योंकि यूजुअली हम जो अपर वेजाइनल प्रोलैप्स हैं, अगर तो पेशेंट इज हैविंग ग्रेड 3 and 4 प्रोलैप्स, और पेशेंट ओल्ड फ्रेल लेडी है विद अ वेरी वीक जो लिगामेंट्स हैं, तो वहां पे फिर जो है सेक्रोकॉल्पोपेक्सी वाली ऑप्शंस आ जाती है, या इसमें क्योंकि यूजुअली जो हम, या फिर सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन की, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट फिक्सेशन का भी है, लेकिन ज्यादातर सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन आती है।
अब जहां तक सेक्रोहिस्टोपेक्सी है, दिस इज मोर फिजिबल व्हेन द पेशेंट इज नॉट अंडरगोइंग वजाइनल हिस्टेक्टमी. यूट्रस कंजर्वेशन हमने करनी है एंड वी हैव टू सपोर्ट द यूट्रस विच इज डिसेंडेड डाउन. तो उसके लिए फिर सेक्रोहिस्टोपेक्सी वाली चीज आ जाती है. यूट्रोसेक्रल लिगामेंट की प्लाइकेशन और एंकरिंग इट टू द लिगामेंट टू द एंगल्स ऑफ द वजाइनल वॉल, दिस इज द प्रोसीजर विच वी कैन डू एट द टाइम ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी. तो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट की प्लाइकेशन इन द मिड लाइन बेसिकली प्रिवेंट्स फ्रॉम द फर्दर एंटेरोसीव कि वो या उसकी जो मॉस्कोविट सर्जरी है या मैकॉल कल्डोप्लास्टी है, ये सारे प्रोसीजर वो हैं जो के. लेकिन अगर यूट्रोसेक्रल लिगामेंट के अंदर से स्टिच लेके हम उसको प्लाइकेट करते हैं इन द मिड लाइन, तो उसमें यूरेटरिक इंजरी का रिस्क होता है. सो व्हाट वी कैन डू एट द टाइम ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी के एंटेरोसील वाली जितनी पेरिटोनियम है, इधर वी एक्साइज इट एंड रीस्ट, या फिर उसमें ज्यादा बेहतर जो तरीका होता है क्योंकि उसमें फिर रॉ स्पेस इतना क्रिएट नहीं होता, कि हम उसमें पर्स्ड इन सुचर लेके उसको टाई कर लेते हैं ताकि ये एंटेरोसील वाला मसला हल हो जाए और लेटर ऑन एंटेरोसील ना हो. अब अमूमन इसमें जो पोस्टीरियर सस्पेंशन प्रोसीजर्स होते हैं, देखो जब हम इसमें हमने खास तौर पे ये रखना होता है कि इन अ क्वाइटली एक्टिव वुमेन वजाइनल एंगल चेंज ना हो. जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन है ये वजाइनल एंगल को चेंज कर देते हैं. सेक्रोहिस्टोपेक्सी या सेक्रोकोल्पोपेक्सी वजाइनल एंगल को मेंटेन करती है क्योंकि नॉर्मल वजाइनल एंगल जो है वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होता है. तो लेकिन अगर हम बश कोल्पो सस्पेंशन करते हैं जैसे इन केसेस ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जिसमें सिस्टोसील भी होता है, तो बश कोल्पो सस्पेंशन इज एन एंटीरियर सस्पेंशन प्रोसीजर. ये फिर एंटेरोसील को प्रमोट करता है. लेकिन पोस्टीरियर सस्पेंशन प्रोसीजर जो ये दोनों हैं, ये बेसिकली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और सिस्टोसील की फॉर्मेशन को एनहेंस करता है. तो इस वजह से बाज दफा इनके साथ, though it is not proven as yet, कि इसके साथ हम फिर बर्श कोल्पो सस्पेंशन वाला प्रोसीजर कंबाइन कर सकते हैं कि जिनमें हमें ये रिस्क हो कि ये इसमें पेशेंट का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी पहले से है और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क सिस्टोसील हो, तो उसमें ये चीज़ें कंबाइन हो सकती हैं. बाकी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनोरेफी यू ऑल नो. अब इसमें ये जो होता है ना, जो मसल की हमने स्ट्रेंथ को असेस किया था, जो हमने कुछ और चीज़ें डिग्री ऑफ प्रोलैप्स के अलावा जो हमने कुछ और चीज़ें असेस की थी, उसमें मसल स्ट्रेंथ भी है. तो वहाँ पे लिवेटर एनाई मसल्स को दरमियान में अप्रोक्सीमेट करना इन द मिड लाइन इज एन असेंशियल स्टेप टू रिस्टोर द एनाटमी एंड टू रिस्टोर द बेसिकली द सपोर्ट्स ऑफ द वजाइना. तो इसलिए उस पर भी हमें एड्रेस करना चाहिए वाइल वी आर डूइंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स. अब वजाइनल एपेक्स सस्पेंशन की हमने बात कर दी और बाकी कोल्पोपेक्सी का जो मैंने बताया, सेक्रोकोल्पोपेक्सी दो इज अ प्रोसीजर फॉर वॉल प्रोलैप्स, लेकिन वॉल प्रोलैप्स होने से पहले भी हम इसको एट द टाइम ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं अगर ये पॉप क्यू स्टेज 3 या 4 हो, क्योंकि उसमें रिकरेंस के चांसेस वॉल प्रोलैप्स के ज्यादा होते हैं. और बाकी हमने जो बात कर ली कि पेशेंट को हमने ये बताना है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं. अब ये जो चीज़ है ना कि पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की सर्जरी कर लोगे जिसमें सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कैली सुचर है जो कि यूरिथ्रो वेसिकल एंगल पे हम करते हैं और इसको थोड़ा सा लिफ्ट अप हम कर देते हैं, तो वो क्वेश्चनेबल है. लेकिन बार दफ़ा ऐसे भी होता है, जो मैंने अभी यूरिथ्रल किंकिंग की पहले बात की थी, कि हम इसमें जो बोनिस टेस्ट पहले वक्तों में कहलाता था कि हम कम से कम उसको रिड्यूस करके मैस को विद द फुल ब्लैडर फिर देखें उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या नहीं है, क्योंकि यूरिथ्रल किंकिंग तो मास्क कर देगी इसको. बहुत ज़्यादा सिस्टोसील हो या ग्रेड 3 और 4 अगर यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, तो उसमें यूरिथ्रा ब्लैडर इज डिसेंडेड डाउन, और अगर यूरिथ्रा थोड़ा सा भी मोबिलाइज्ड है और लेकिन उसमें बहुत एक्यूट एंगल बन जाता है बिटवीन द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर, तो उसमें किंकिंग अफेक्ट आ जाता है, यूरिथ्रल किंकिंग अफेक्ट, जो कि मास कर देगा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को एंड इट विल बी एविडेंट आफ्टर द सर्जरी. तो इसलिए उसको चेक करना बड़ा जरूरी है. अगर वो हो तो फिर आप उसमें जरूर कर दें एट द टाइम ऑफ हिस्टेक्टमी, अदरवाइज ये क्वेश्चनेबल है कि आप प्रोफाइलेक्टिकली उसको एट द टाइम ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी करें. अब लेप्रोस्कोपिकली डेफिनेटली इसका रोल है, जो लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टमी होती है दैट इज लेटेस्ट, मतलब जो उसमें मॉडिफिकेशंस हैं, तो इसके अपने प्लस पॉइंट्स हैं.
अब मेश का जो रोल है वो काफी लिमिटेड और स्टॉप हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ द मेश इरोजन. मेश इरोजन, एक दफा मेश आप डाल दो तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें फिर ऑर्गन इंजरी और ये सब चीजें, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाता है. तो इस वजह से उसको फिर हमें बहुत सोच समझ के जो है वो करना पड़ता है. लेकिन खासतौर पर मर्सिलिन मेश के साथ ये चीजें ज्यादा होती हैं. लेकिन अगर हमने सेक्रोकॉल्पोपैक्सी या सेक्रोहिस्ट्रोपैक्सी करनी हो तो उसमें इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हमें फिर पेशेंट को बताना पड़ेगा कि इसके ये साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसके बगैर इस ये जो मैश है, प्रोलिन मैश होती है और मर्सिलिन मैश होती है, मर्सिलिन के साथ प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं. तो वो हम मैश अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू डू द पोस्टीरियर सस्पेंशन प्रोसीजर्स. अब एक जो लेटेस्ट चीज है उसमें रोल ऑफ इंट्राविजाइनल लेजर भी है. तो इसमें जो है वो ग्रेड 1-2 से ज्यादा में आप नहीं करते. तो इसको हम लेजर के साथ ही जो गाइडेड जो है वो इसका ये ना सिर्फ ये के प्रोलैप्स के केसेस में बल्कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के केसेस में भी, और कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल विजाइनल एट्रोफी को भी मैनेज करती हैं, जैसे एनडी यॉग लेजर. लेकिन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी लेजर्स हैं वो ज्यादातर दैट डील विद द विजाइनल लैक्सिटी या यूरिनरी और बावल लीकेज. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो लेटेस्ट उसमें चीजें आ जाएंगी, क्योंकि जब भी आप एक्सटेंडेड क्वेश्चंस को कर रहे होते हो तो उनमें जो लेटेस्ट जो बेसिकली जो आपका जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो भी यू कैन बी आस्ड अबाउट एंड यू मस्ट नो एज अ पार्ट टू स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं. तो कोई सवाल जो अभी तक का हो वो हम कर लेते हैं. हाँ जी, वरना फिर इसको क्लोज करें. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर. हाँ जी, क्या उसका क्या मसला है? वो हॉरिजॉन्टल में बता दे जो आप बताई थी ना. देखो, एक है जो आपने एक एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में देखा ना, फ्रॉम पोस्टीरियर फॉर्नेक्स टिल क्यूबिक सिम्फिसिस, ये एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन है. हॉरिजॉन्टली है जो आपने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखा, उसकी विजाइनल वॉल विड्थ. तो आपने दो एंगल से उसकी कैपेसिटी को असेस कर लिया, देन यू आर इन अ प्रॉपर बेसिकली इन अ बेटर पोजीशन टू असेस द साइज ऑफ द पेसरी. तो इस तरह से जो है वो आपने असेस करना है. इसको करके देखो. देखो सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. तो पेशेंट तो आपके पास आते ही होंगे, आप उन पे ट्राई कर सकते हो. उसका असेस करो साइज, फिर उसके मुताबिक जो है वो आप पेसरी इंसर्ट करो और फिर देखो क्या नतीजा निकलता है. फिर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सुना हुआ या पढ़ा हुआ भूल सकता है, लेकिन जो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो नहीं भूलता. मैडम, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ना, ये जो डिस्टेंस होता है वो तो गैप सी होगा ना, कि कितना गैप मेरे दो उंगलियों के बीच में आ रहा है. ये तो अप्रोक्सीमेट है. जाहिर है हम किसी उसके साथ मेजर नहीं कर रहे, किसी स्केल के साथ हम मेजर नहीं कर रहे ना. तो ये बेसिकली इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन इसीलिए इसमें कहते हैं कि बार दफा 2-3 साइजेस आप मंगवाते हो ताकि उसमें जो फिट हो आपको रीट्राई करना पड़ता है. क्योंकि अगर तो आप स्केल के साथ चीजें कर रही होती हैं तो वो तो एक प्रिसीजन के साथ हो जाता है, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेशन. तो मैडम, इस गैप को कितना तकरीबन, जैसे रफली हम कहते हैं ना, ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं, कितना तकरीबन और जाए कि मैं ये कहूँ कि भाई मैंने 52 की डालनी है या मैंने 72 की डालनी है पैसरी? देखो, एक पेशेंट जो मल्टी पैरा है, जो अभी जो पोस्ट मेनोपॉजल नहीं है, उसकी वेजाइनल वॉल लैक्सिटी अमूमन ज्यादा होती है, उसकी वेजाइनल वॉल हेल्थ ज्यादा होती है. तो उसमें आप यूजुअली आपने वैसे तो छोटे साइज का करना होता है, लेकिन उसमें अप्रोप्रिएटली आप थोड़ा सा उसमें साइजेस का जो फर्क होता है उसमें थोड़ा सा आप उसकी पैरिटी उसके हिसाब से फिर असेस करते हो. देखो, ये इस वक्त इस तरह से ऑनलाइन बताना बड़ा मुश्किल है कि इसमें आप इसको किस तरह से साइज, क्योंकि ये आप पेशेंट पे करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपने असेस किया उसका साइज हॉरिजॉन्टली भी और एंट्रोपोस्टीरियरली भी, यानी ट्रांसवर्स और एंट्रोपोस्टीरियर, ये दो साइज करके फिर आपने अप्रोक्सीमेटली किया. और आप जहां जहां जिस भी सेटअप पे हो, अपने किसी भी सीनियर के साथ आप इसको जो है वो डिस्कस भी कर सकती हो और इसमें आप उसको ट्राई भी कर सकते हो. ठीक है, और जो इंट्राविजाइनल लेजर का आपने बताया, वो कहा है कि ग्रेड 1 और 2 में मैडम कर सकते हैं? हाँ, जो ग्रेड 1 और 2 में, क्योंकि देखो ग्रेड 3 और 4 में तो पेसरी अमूमन नहीं काम करती, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा मार्क्ड होता है आउटसाइड द वजाइना, उसका ऊपर जाना जरा मुश्किल होता है. हम जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, अनलेस के पेशेंट बहुत ओल्ड फ्रेल लेडी है,
उसमें अगर प्रोसीडेंशिया है तो उसमें तो नहीं काम कर सकती ना पेसरी उसमें, लेकिन जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं वो आप जो भी करो दैट शुड गो साइड बाय साइड, चाहे सर्जरी भी कर लो दैट शुड गो साइड बाय साइड, क्योंकि वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली जो है वो 4-5 महीने में कहीं जाके उसका इफेक्ट होना शुरू होता है, या वो जो इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन वाली चीजें हैं वो भी इसमें काम कर सकती है। मैम प्रोलिप्स विद अल्सर उस पे थोड़ा कमेंट कर दें जी। मैम प्रोलिप्स विद अल्सर, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम प्रोलिप्स विद अल्सर उस पे थोड़ा कमेंट कर दें। आपकी आवाज थोड़ी सी बड़ी वो रेजोनेट कर रही है, मुझे क्लियर आपकी वॉइस समझ नहीं आ रही, कोई और बता दे अगर। अल्सर उस पे थोड़ा कमेंट कर दें, अल्सर प्रोलिप्स पे। प्रोलिप्स विद अल्सर मैडम कह रही है। अच्छा वो अल्सर जो है, ठीक है। देखो अल्सर तो होता है जिसमें ग्रेड 3 और 4 के साथ ज्यादा डिक्यूबिटस अल्सरेशन जो है, एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू इम्पिडेंस इन द जो वेस्कुलैरिटी है या उसका जो ब्लड सप्लाई है उसकी वजह से इसको, इसीलिए इस्कीमिक अल्सर भी कहा जाता है कि ये जो है कि ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से टिश्यू इस्कीमिया की वजह से अल्सर बन जाते हैं। लेकिन जब भी ये जो है जो अगर पेसरी से रिलेटेड अल्सर की आप बात कर रहे हो तो दैट इज ड्यू टू पुअर टिश्यू क्वालिटी या जो ज्यादा बड़े साइज की पेसरी हो वो। लेकिन अगर जो यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स के अल्सर की बात है जिसको हम डीक्यूबिटस अल्सर कहते हैं, दैट इज बेसिकली इस्कीमिक अल्सर्स जिसमें किंकिंग ऑफ द ब्लड वेसल, जैसे यूरेटर्स की किंकिंग हो जाती है और हाइड्रो यूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, तो उसमें अल्सर शुड बी ट्रीटेड बिफोर हैंड, क्योंकि उस वहां जहां पे अल्सर बना हुआ होता है एक तो उसकी इवेल्युएशन जरूरी होती है, दो इट मे अपीयर ड्यू टू यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स, लेकिन फिर भी उसकी इवेल्युएशन जरूर कर लिया करें और उसमें जो को एग्जिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं उनको आप ट्रीट करें, और पेशेंट का जो वो है उसकी वेस्कुलैरिटी को रिस्टोर करने के लिए उसका जो प्रोलैप्स है दैट शुड बी रिड्यूस्ड फॉर एटलीस्ट 1 week to 10 days बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी, ताकि उसकी वेस्कुलैरिटी लेटर ऑन जो हीलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज ना। मैम अल्सर को जो है ना एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे हम एक यूटरस की लेते हैं कि साइज हो गया पोजीशन हो गया, इसके मार्जिन साइज किन किन चीज पे जो है ना वो इसमें वो करेंगे कि ये अल्सर जो है ये इस मतलब इसका साइज ये है, उसकी लोकेशन ये है, इसकी अपेयरेंस ये है, इसके मार्जिन कैसे हैं, ठीक है, और सराउंडिंग टिश्यू कैसा है, एंड वॉट इज ऑन टू द अल्सर, यानी ब्लड है या कोई डिस्चार्ज है या क्या है, यही है जिसपे अल्सर को एक्सप्लेन किया जाता है। मैम अगर हील नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब मैनेज कैसे करेंगे? देखो अगर नॉन हीलिंग अल्सर है फिर वो देखो कि आपके क्लैम्स में आ रहा है या नहीं आ रहा, यूजुअली जो हम इस पर डिसाइड करते हैं वो यही है। देखो ये जो अल्सर बने हुए होते हैं ये अमूमन पोअर वेस्कुलेचर की वजह से, जहां पे भी पोअर वेस्कुलेचर होगा वो ऑनवर्ड हीलिंग में रुकावट डालेगा, तो इसी वजह से अल्सर्स को हील किया जाता है टू रिस्टोर द वेस्कुलेचर एंड द ब्लड सप्लाई टू द सर्विक्स या जो सारा पोर्शन जो सर्जरी में होना है, तो इसीलिए इसकी बार दफा अल्सर टेक्स टाइम टू हील, जो खासतौर पे जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर होते हैं, और बार दफा में 2-3 हफ्ते की थेरेपी देने की जरूरत होती है। अगर ऐसा केस हो जाहिर है आप पेशेंट को 2-3 तरीके होते हैं कि आप या तो पेशेंट को पैकिंग कर दें, दैट इज बेसिकली कैन बी कैरीड आउट इन द हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट, और पेशेंट को आप इतने दिन एडमिट नहीं रखते जस्ट फॉर द हीलिंग ऑफ अल्सर, एवेल्युएशन आप उसकी जरूर कर लें जो डिलेड हीलिंग जिनमें हो या नॉन हीलिंग हो, ताकि इसमें अल्सर में कोई और कोई को एग्जिस्टेंट पैथोलॉजी है तो वो पता चल जाए, अदरवाइज सिंपली यू कैन इंसर्ट द पेसरी एंड सेंड द पेशेंट होम, बिकॉज पेसरी विल टेक इट अप, जो इसका प्रोलैप्स्ड यूट्रोविजाइनल पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा और उसमें उसकी वेस्कुलैरिटी रिस्टोर होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो अल्सर हील हो जाएगा, दैट इज वॉट वी डू एक्चुअली, और प्रैक्टिकली भी हम यही कर रहे होते, ठीक है। देखो इसमें पेसरी जो है ना वो सर्वाइकल अल्सर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, पेसरी ने सर्विक्स के ऊपर तो नहीं आना, पेसरी तो वेजाइनल वॉल्स को ऊपर लेके जा रही है, तो अगर वेजाइनल वॉल्स हेल्दी हैं तो यू कैन इंसर्ट द पेसरी एंड सेंड द पेशेंट होम, अलबत्ता अगर वेजाइनल वॉल्स अनहेल्दी हैं एट्रोफिक हैं उनके ऊपर भी कोई अल्सर है देन डेफिनेटली नॉट, फिर तो उसमें वेजाइनल पैकिंग ही एक हल हो जाएगा, एंड ऑलवेज यूज टॉपिकल ईस्ट्रोजेंस इन दैट केस, ठीक है। मेरा ख्याल है अब हम इसमें बंद करते हैं, अब तकरीबन मैडम एक और सवाल प्लीज लास्ट में मेरा सुन लें। मैम ये जो बुर्ज कॉल्पस सस्पेंशन हो गया, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं
तो मैम इसके प्रोसीजर को इसके स्टेप्स याद करना मतलब एग्जाम में पूछेंगे? देखो आपको नाम उसका आना चाहिए और बेसिक प्रिंसिपल आना चाहिए। अब बस कॉल पर सस्पेंशन है या कैली स्विचर है जो इसमें या टीओटी है या ये जो सारे हैं इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये यूरिथ्रो वेसिकल एंगल को ऊपर लेके चले जाते हैं इन इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन। तो इसमें इट रिस्टोर्स द यूरिथ्रो वेसिकल एंगल जिनमें सबसे जो कम जो जिसकी वैल्यू है वो अगर जो कैली सुचर के साथ भी 60-65% तो सक्सेस रेट होता है लेकिन हम हर एक में तो नहीं लगा रहे होते। फर्स्ट वी हैव टू डेमोंस्ट्रेट द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू प्रोलैप्स तब हम उसको करते हैं क्योंकि ये जो हमने अभी देखा कि इसमें हाइपर मोबिलिटी ऑफ यूरिथ्रो वेसिकल एंगल उसका एंगल चेंज हो जाता है ये वजह बन जाती है उसके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। सो वी नीड टू री एलिवेट द यूरिथ्रो वेसिकल एंगल एंड टू रिस्टोर इट्स एंगल जो यूरिथ्रो वेसिकल एंगल का नॉर्मल बनता है उसको हमने रिस्टोर करना होता है जो कि इन सारे तरीकों के साथ हम कर सकते हैं। तो इसमें इसमें जो है वो जो यूज ऑफ जो मैश है उसमें टी ओ टी और ये जो है ट्रांस ऑप्टोरेटर टेप और ये सारी चीजें हैं जिसमें वो हम करते हैं लेकिन उसके भी अब रिजल्ट जो है लॉन्ग स्टैंडिंग अगर रिजल्ट देखो मैश अगर इरोजन हो जाए ना तो दैट इज अ नाइटमेयर फॉर द पेशेंट क्योंकि वो फिर मसला हल नहीं होता पेशेंट का लिंगर ऑन करता रहता है और फिर आप निकाल भी नहीं सकते वो इतना टिश्यू में एम्बेड हुआ हो जाता है कि फिर उसमें या तो यूरिथ्रल या ब्लैडर इंजरी आने के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है तो चलो मेरा ख्याल है अब हम यहाँ पे स्टॉप करें। अब अगली दफा क्या पढ़ना है मुझे अभी से बता दीजिए ताकि और फिर आप खुद भी पढ़ के आया करें जरूर क्योंकि तब ही आपको फायदा भी होगा। ठीक है तो नेक्स्ट टाइम आप क्या डिस्कस करना चाहते हो? हाँ जी पोस्ट मेनोपॉजल ओवेरियन सिस्ट का टॉपिक करवा दें। पोस्ट मेनोपॉजल ओवेरियन सिस्ट ओवेरियन सिस्ट ही जनरली मैम वैसे तो बड़ा ही लंबा है लेकिन हाँ बहुत लंबा है इसमें फिर आप नहीं उसमें फिर वही है केस बेस्ड। ठीक है इसमें आप लोग केसेस को सिलेक्ट करो दो चार केसेस जो हैं जो के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वॉट एवर जो भी केसेस हैं तो इसको फिर हम कर लेंगे। ठीक है क्योंकि और हर केस जो है वो डिफरेंट हो क्योंकि बाज दफ़ा जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होती है ओवेरियन सिस्ट टाइप फर्क होती है उसकी मैनेजमेंट फर्क होती है तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिर उसमें डिस्कस होंगी बट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि कौन कौन से केसेस हम डिस्कस करें क्योंकि इस तरह जो वन साइडेड टीचिंग होती है ना सही बात है मुझे उसमें खुद भी इतना वो नहीं फिर पेशेंट मतलब बंदा खुद भी इतना इन्वॉल्व फिर नहीं होता जब तक ये टू वे डिस्कशन ना हो यानी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आए या आपकी तरफ से कोई आंसर आए तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि टीचिंग सेशन का एक आपको बेसिक असूल होना पता होना चाहिए इसमें जो लर्नर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए तब ही आप उसका एडवांटेज उनको दे सकते हैं। ठीक है चलो जी बस इसको फिर हम स्टॉप करते हैं आज। थैंक यू मैम।